जी क्लास मुझे बताइएगा, स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम, अभी नहीं नजर आ रही। अब दिखाई दे रही है मैडम। ओके जी, ये है upwork.com। तो यहाँ पे हम साइन अप करेंगे। वर्क ईमेल एड्रेस जी। आवाज सबको ठीक आ रही है? यस मैम। आवाज कम है? आवाज कम है, बाकियों को तो सही आ रही है। यहाँ सबसे पहले आपने अपने ईमेल से साइन अप करना है। कि जब भी आप कोई प्रोफाइल बना रहे हो तो एक अपना प्रोफेशनल ईमेल बना लो, और उस ईमेल के जरिए ही आपने अगर फाइवर वगैरह बनाया तो आप उसी ईमेल के जरिए अपना अपवर्क भी बना सकते हो। कंटिन्यू विद ईमेल। यहाँ पे अब आपका आएगा, स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं? नो मैम, कोई ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे। के बाद आपका कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रहने दे। आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, आई वर्क एज अ फ्रीलांसर। तो आपने एज अ फ्रीलांसर वर्क करना है, तो आपने यहाँ पे वर्क एज अ फ्रीलांसर लिखना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ अब आपका यूजर नेम है। आप जब फाइवर आपको करवाया गया तो आपको बताया गया था कि यूजर नेम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपने एक ऐसा यूजर नेम सेलेक्ट करना है जो अगर बाद में आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफाइल में एडिशनल चीजें ऐड करना चाहते हो और स्किल्स ऐड करना चाहते हो, आज आप वेब के हो, कल को आप किसी और भी स्किल्स को ऐड करना चाहते हो, अमेज़न करना चाहते हो या ग्राफिक्स या कोई भी ब्लॉगिंग कंटेंट राइटिंग, कुछ भी आपकी और स्किल्स है तो वो भी शो करवाएं, तो बेस्ट ट्राई करें कि आप अपने नेम का ही यूजर नेम सेलेक्ट करें अगर तो आपको मिल जाता है, अवेलेबल है। मैम जी, जो ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करना होता है, ये आईडी कार्ड से मैच होना चाहिए कि नहीं? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप बेस्ट ट्राई रखिए कि अपनी ऑफिशियल डिटेल्स दें और प्रोफेशनल डिटेल्स दें। तो मैम ये ऊपर से फिर चेंज करना पड़ेगा, वो मेरा ऑफिशियल नहीं है वैसे। ओके, तो आप अपना ऑफिशियल बता दें। मोहम्मद अबू हुरैरा वैसे ऑफिशियल नेम, मोहम्मद फर्स्ट नेम है और अबू हुरैरा लास्ट नेम। अबू हुरैरा की स्पेल बोलिएगा प्लीज। ए बी यू एच यू आर ए आई आर ए। सही है आपके नेम की स्पेल? विजिबल नहीं हो रही मुझे ना स्क्रीन नजर नहीं। ए बी यू एच यू आर ए आई आर। मैम ए बी यू के बाद स्पेस आनी है। अच्छा अच्छा ओके। तो आपका यूजर नेम आप अबू हुरैरा, ये देख लें आप यूजर नेम देख लें, आपके लिए ठीक है। छोटा ही लगा दें। आप अंजुम वाला लगाना चाहते हैं? यस मैम, और ऊपर ए जो है ना लास्ट पे वो भी लगा। ओके, आपका ओरिजिनल नेम मोहम्मद अबू हुरैरा, तो आप ये अंजुम भुट्टा के लगाना चाहते हैं? मैम वैसे ये निकनेम इस्तेमाल कर।
आप अपना ऑफिशियल नेम चूज किया करें। मैम ये कंप्लीट मिल जाएगा मुझे लगता है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने ऑफिशियल नेम से अपना यूजर नेम रखें, ताकि बाद में जब आप अपना आईडी कार्ड वगैरह अटैच करोगे आप पर सॉरी पेमेंट मेथड के लिए अपना बैंक वगैरह डिटेल्स अटैच करते हो तो कोई इशू ना हो ना कि आपका वही नेम शो रहा हो। ऑलरेडी यूज्ड है मैम, रिपीट कीजिएगा क्या? सॉरी मैं कह रहा हूँ मैम, आपने क्या कहा अभी पेमेंट मेथड के बारे में? जी जब आपने बैंक की डिटेल्स वगैरह अटैच करनी होती है ना, तो उस वक्त वो कहते हैं कि प्रोफाइल पे आपका और नेम आ रहा है और बैंक डिटेल्स और नेम की हैं, तो आप बेस्ट ट्राई करें कि आप अपने ऑफिशियल नेम से अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें। ओके जी, यहाँ पे अब आपके पास एक ईमेल आया होगा। आपने उसे वेरीफाई करना है। मैम कर दिया वेरीफाई। ओके जस्ट वन मिनट। अच्छा यहाँ तक आपने अपना साइन अप करने के बाद दोबारा से ईमेल को वेरीफाई करने के बाद लॉगिन करना है। Just one second. आपका ईमेल सही लगा हुआ है? पासवर्ड सेट नहीं करा। हम ठीक हैं। पासवर्ड के बाद अच्छा अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने upwork.com पे जाना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल लगा के साइन अप विद ईमेल करना है। ईमेल के बाद आपने नेक्स्ट पैनल जो आता है उसमें अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यूजर नेम दे के तो ज्वाइन कर लेना है वर्क एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद देन आप अपना ईमेल से वेरीफाई करेंगे, वेरीफिकेशन के बाद दोबारा से साइन इन करें और साइन इन करने के बाद अब आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। या आप देख सकते हैं ये स्टेप्स हैं जो हमने कम्प्लीट करने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इनको। जॉइन वर्क एज फ्रीलांसर, कंटिन्यू, स्टार्ट माय प्रोफाइल। यहां तक किसी को कोई इश्यू हो यूजर नेम सिलेक्शन में या फिर कुछ भी? ठीक है मैडम। ओके तो यहाँ दो तीन मेथड्स हैं इसके बनाने के, अगर तो आप लिंक्डइन के जरिए बनाते हो तो वो भी बन जाती हैं, लेकिन हम मैन्युअली इसको क्रिएट करेंगे। लिंक्डइन के लिए वो फिर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होना ज़रूरी है और उस पर कुछ कनेक्शंस वगैरह होने ज़रूरी है, तब जाके बनती है। व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफरिंग? बेसिकली तो हमारी जो सर्विस है वो है वेब की, लेकिन प्रोफाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे मोबाइल वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी में, मेन कैटेगरी जो हमारी है।
उसके बाद एक हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जो कि हम यहाँ पे करेंगे इनमें से जो मोबाइल की रिलेटेड आ रही है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे मोबाइल वेब एंड मोबाइल डिजाइन कौन 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 सी है लेकिन मैम इसी के नीचे वेब डेवलपमेंट भी है ना मोबाइल डिजाइन से जी, हमारा जी जी बिल्कुल डेफिनेटली आप ये जितनी भी चीजें कर रहे हो आप ये बाद में चेंज कर सकते हो पहला स्टेप होता है प्रोफाइल अप्रूव करवाना जो अपर की प्रोफाइल है फाइवर की प्रोफाइल की अप्रूवल का कोई इशू नहीं होता लेकिन जो अपर की प्रोफाइल है इसमें अप्रूवल का स्टेप होता है तो हमने किसी ऐसे स्किल के जरिए बनाना है जिससे हमारी डायरेक्ट प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाए तो आप ये सारी जितनी भी चेंजेस हम कर रहे हैं या जो भी अभी हमारी स्किल्स के रिलेटेड नहीं है ये सारी चीज़ें हम बाद में एडिट कर सकते हैं लेकिन हमको प्रोफाइल बनानी इस तरह है कि हमारी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए तो इस अप्रूवल के डिफरेंट मेथड्स होते हैं कोई कोई चूज करता है हर एक की अपनी चॉइस होती है वो किस तरह बना रहा है या उसने पहले किस तरह बनाई है या उसका एक्सपीरियंस किस तरह है तो हम इस तरह बनाएंगे कि हमारी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाए आपने यहाँ से मेन कैटेगरी मोबाइल वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट की उसके बाद मोबाइल डेवलपमेंट की सब कैटेगरी सिलेक्ट की बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरीज आती हैं एक मोबाइल डेवलपमेंट की एंड एक अदर सॉफ्टवेयर की लेकिन यहाँ पे एक की ऑप्शन है तो हम एक सिलेक्ट करेंगे मोबाइल डेवलपमेंट की नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे आपने फिर अपनी एक्सपर्टीज सिलेक्ट करनी है कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है यहाँ पे हम लिखेंगे आईफोन ऐप डेवलपमेंट एक आईफोन ऐप डेवलपमेंट एंड दूसरी मोबाइल यूआई डिजाइन पहले मेन कैटेगरी आपने सिलेक्ट की उसकी मोबाइल डेवलपमेंट की वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर की उसके बाद आपने मोबाइल डेवलपमेंट की सब कैटेगरी दी एंड नेक्स्ट आपकी एक्सपर्टीज जो है आपने इसमें दो स्किल्स लिखनी है एक आईफोन ऐप डेवलपमेंट की एंड दूसरी मोबाइल यूआई डिजाइन की नेक्स्ट ये सारी चीजें आप बाद में एडिट कर सकते हो जस्ट हमें प्रोफाइल अप्रूव के लिए स्टेप लेना पड़ता है एक सेकेंड क्लास जस्ट वन मिनट जी मुझे बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है यस मैम ओके यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे आपके एक्सपर्टीज लेवल आपने क्या सिलेक्ट करना है एंट्री लेवल नेक्स्ट यहाँ पे आपकी एजुकेशन है आपने एजुकेशन ऐड करनी है जी अबू हरेरा आप अपना बताइएगा आपका क्या प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी बता रहे हैं बीबीए का यूनिवर्सिटी से कौन सी यूनिवर्सिटी है सरगोधा यूनिवर्सिटी यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप फॉर टाइमिंग कंप्यूटर साइंस लिखते हैं इसके बाद आप इसको चेंज कर लीजिएगा बस इतना भी आप लिख लो कि अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख लो और कंप्यूटर साइंस लिख लो
सेव करें और नेक्स्ट मूव करते हैं। एजुकेशन में जस्ट आप अपने प्रोग्राम का नेम दें एंड अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखें और उस पेपर। अच्छा, किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो स्टेप नंबर 5 तक, एनीवन जिसे कोई कन्फ्यूजन हो कि स्टेप नंबर 5 तक हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं या क्या स्टेप लिख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ये पूछना था कि जो टिक हुए हुए हैं, ये ग्रीन जो टिक ये हो गए फिल हो गए, ये जो ग्रीन फिल हुए हुए ऑप्शंस? जी जी जी, ये जो ग्रीन टिक हो रहे हैं ये फिल हो गए। अच्छा चलो ठीक, इसमें थोड़ा ओवरव्यू दे दे, मैंने अभी ज्वाइन किया ना। ओके, दोबारा से एंड पे मैं रिपीट कर दूंगी स्टेप्स, तो आप दोबारा से नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश इन्होंने सेलेक्ट की होती है और आपने इंग्लिश ही लैंग्वेज रखनी है, लेकिन हमने उसको फ्लुएंट रखना है। और आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करनी, कोई लैंग्वेज ऐड नहीं करनी, जस्ट इंग्लिश को फ्लुएंट रखना है और नेक्स्ट स्टेप करते जाना है। हार्डली रेट आपने स्टार्ट में 20 रखना है, इसके बाद आप जब इस प्रोफाइल को कम्प्लीट करोगे तो आप इसको एडिट करके जितना रखना चाहो उतने रख लोगे। हेलो जी मैम, ये एम्प्लॉयमेंट वाले में क्या फिल करना है? एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को आप स्किप कर दें, फॉर टाइम बीइंग आप सिलेक्ट स्किप कर दें, जब हम दोबारा भी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे यानी एडिट करेंगे तो उस वक्त आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर सकते हो, फॉर टाइम बीइंग आप इसको स्किप कर दें। और जो लैंग्वेज वाला है उसमें भी कोई नहीं? जी लैंग्वेज वाला आपका इंग्लिश लैंग्वेज है और उसको अपने फ्लुएंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 9 स्टेप में टाइटल एंड ओवरव्यू, टाइटल में आपने लिखना है मोबाइल डेवलपर, ये टाइटल आप बाद में चेंज कर सकते हो, आप अपने वेब के हिसाब से रख सकते हो मोबाइल डेवलपर। उसके बाद है प्रोफेशनल ओवरव्यू, ये वही ओवरव्यू है जो अपने फाइवर की प्रोफाइल में अबाउट दिस सेलर लिखा हुआ है, ये वही ओवरव्यू सेम इसी तरह का है, यहाँ भी आपने ऐसा ही लिखना है। तो अभी फॉर टाइम बीइंग हम कुछ और सा ओवरव्यू डाल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपने अपनी अर्बी के लिए थोड़ा सा कोई चंद लाइंस 5-6 सेंटेंसेस में अपना ओवरव्यू बना के डाल लें, उसके बाद आप अपना फाइवर की तरह ही एक प्रोफेशनल ओवरव्यू बनाएंगे और वो यहाँ पे डालेंगे जो आपने फाइवर की अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन बनाई थी, बेसिकली ये ओवरव्यू वही चीज़ है। मोबाइल ऐप डेवलपर,
ये नीचे वो बता रहा है कि आप कितने करेक्टर्स का डाल सकते हैं। तो हमने एक शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन डाली, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से फॉर टाइम बिंग कुछ भी डाल लें, उसके बाद आप उसको एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब वही चीज जैसे फाइवर पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक लगाई थी सेम लाइक एज ही, लेकिन फाइवर पे ये होता है कि फाइवर पे कोई लोगो भी एक्सेप्ट हो जाता है, कोई भी आप पिक लगा लेते तो वो सब के लिए। लेकिन अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ह्यूमन पिक का होना जरूरी है, और जब फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो उसके बाद ये वेरीफाई भी करते हैं, सेल्फी भी लेते हैं एंड वीडियो कॉल भी करवाते हैं, और उसके जरिए ये वेरीफाई करते हैं कि आया जिस पर्सन की ये प्रोफाइल है इस वक्त वही पर्सन है, वही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक लगानी है, और वो आप कैसे लगाएंगे, एक अच्छी सी स्माइल, हल्की सी स्माइल के साथ, प्लेन बैकग्राउंड के साथ। आपके पास प्रोफेशनल पिक होनी चाहिए जो कि आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूज करनी होती है। तो बेस्ट ट्राई रखें कि अगर किसी पिक का ज्यादा बैकग्राउंड है लेकिन पिक अच्छी है तो आप उसको रिमूव बीजे पे वेबसाइट पे जाके अपना उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और प्लेन बैकग्राउंड के साथ, एक कलरफुल बैकग्राउंड के साथ आप रख सकते हैं। आपने एक ऐसी पिक लगानी जो पता चले कि ये प्रोफेशनल पिक है और अपने ही फेस की हो। गर्ल्स भी अपनी लगा सकती हैं, कोई इतना वो नहीं है। अगर ये हिजाब में एक्सेप्ट करें तो आप लोग, जिनको हिजाब का इशू होता है वो हिजाब की लगा सकती हैं। तो अबू रहरा आप मुझे अपनी पिक फॉरवर्ड कर दें, या फिर हम टाइमिंग कोई नेट से उठा लेते हैं, लेकिन आपने फिर ये पिक अपनी चेंज कर लेनी है। अगर आप मुझे मैसेज कर दें अपनी पिक का तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नेट से उठा लेते हैं। बेसिक चीज होती है आपका फेस क्लियर नजर आना चाहिए, कोई सनग्लासेस वाली पिक नहीं चलेगी। आप लोग अपना एक ईमेल प्रोफेशनल बना के रख लें, एक इस तरह अपनी इमेज अच्छी सी बना के प्लेन बैकग्राउंड के साथ रख लें, ताकि आपको जहां भी यूज करनी पड़े कर सकें। अब वो रह रहा, जैसे ये कंप्लीट होगी प्रोफाइल, आपने अपनी पिक चेंज कर लेनी। अब वो यहाँ पे उसकी गाइडलाइंस बता रहा है कि पिक कैसी होनी चाहिए। एक नेचुरल बैकग्राउंड होना चाहिए, इंक्लूड योर ऑन फेस होना चाहिए, क्रिप्टो रेजोल्यूशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए, कि वो चीजें बता रहा है कि आपकी पिक को कैसा होना चाहिए। यहाँ से आप इसको अपना जस्ट फेस सिलेक्ट करें, और फेस की ही बस जरूरत होती है। अब वो प्रोसेस कर रहा है, वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे जैसे इसका प्लेन बैकग्राउंड है, ऐसे ही आप एक प्लेन बैकग्राउंड वाली एक अच्छी सी नेचुरल स्माइल के साथ पिक बना के रख लें अपने पास, कि जहां जहां आपको यूज करनी पड़े आप वहां वहां वो प्रोफाइल अपनी चूज कर लें। यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन देनी है, कंट्री है, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस। जी वो रह रहा, अपना एड्रेस बोलिएगा प्लीज। मैम मोहल्ला थाना रोड लालिया। आप कैसे लिखते हैं? MOHALLEH। थाना THANA। जी नेक्स्ट। थाना रोड लालियां, तहसील लालियां, डिस्ट्रिक्ट चनियोट। आलिया की स्पेलिंग LALIAN। मैम IAN है। IAN IAN नहीं लिखे हैं।
लालियों। तहसील ठीक है मैम, तहसील लालियां तहसील डिस्ट्रिक्ट। आपका तो एड्रेस भी माशाल्लाह ऐसे। अच्छा मैम लालियां तहसील है ना चनियोट की, वो लिख। डिस्ट्रिक्ट चनियोट नेट के स्पेल CHI जी। NIOT। अच्छा मोहल्ला थाना रोड तहसील लालिया डिस्ट्रिक्ट चनियोट ऐसे आएगा आपका एड्रेस। यस मैम ऐसे। यहाँ पे आप लोगों ने अपना सिंपल सा जो भी आपका एड्रेस है वो दे लें। हम खाली चनियोट फिर सिलेक्ट करें ना इधर। जी हो गया। आप अपना सिप कोड बताइएगा पोस्टल कोड चनियोट का। 35470 35470 70 सही है। 35470 यस मैम। फोन नंबर प्लीज। 0347 7065 7065 904 904 चेक कीजिएगा आपका नंबर सही है। यस मैम सही है। ओके प्रीव्यू प्रोफाइल ये हमारा लास्ट स्टेप था। सबमिट। जी कंग्रेचुलेशन यू आर नो पार्ट ऑफ अपवर्क इट्स मीन कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है। जस्ट टू गेट स्टार्टेड ये 12 स्टेप्स थे। यही बेसिक चीज होते हैं जब भी आप अपवर्क प्रोफाइल बनाने लगो तो ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है। तो इनकी अबू हुरैरा की प्रोफाइल अप्रूव हो गई है। अगर कोई साथ और भी बना रहे थे तो प्लीज मुझे बताइएगा किसी का कोई स्टेप मिस हो या जहाँ तक सारे लोग साथ हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल कम्प्लीट कर लिए या जिन्होंने अभी नहीं बनाई उन्होंने स्टेप्स नोट कर लिए या कोई स्टेप आप पूछना चाहें। हेलो जी वो जो रेट वाला नहीं है वो रह गया मैं बाकी सारा जी हो गया। $20 रेट लिखें आप। मैडम पहले स्टेप जी जी मैडम ये सरगोधा का जो पोस्टल कोड है वो 40XY या 140 है आपको आप पता गूगल है? करें आप गूगल करें और 4000 आप गूगल कर लिए कंफर्म हो जाती है। 40100 मैडम शुरू वाले स्टेप को काल करना। बेसिकली चंद स्टेप्स ही होते हैं कि आपने टाइटल कौन सा लिखना होता है मोबाइल डेवलपर का अपने टाइटल देना है। डिस्क्रिप्शन मैटर नहीं करती आप उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन डालो। उसके बाद आपने हार्डली रेट $20 डालना होता है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप फॉर टाइमिंग स्किप कर दो। उसके बाद आपने दो स्किल्स अपनी लिखनी होती हैं जो सब कैटेगरीज में आती हैं वो एक आईफोन ऐप डेवलपमेंट होता है और एक मोबाइल यूआई डिजाइन होता है। ये दोनों स्किल्स आपने लिखनी होती हैं। एजुकेशन में आप अपना जस्ट प्रोग्राम नेम लिख लो और अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिख लो। उसके बाद आपने एक लैंग्वेज का था स्टेप लैंग्वेज वाले में आपने इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्ट होती है आपने उसको फ्लुएंट सिलेक्ट करना होता है। एंड एक्सपीरियंस लेवल का स्टेप होता है उसमें आपने एंट्री लेवल सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो कैटेगरी है सब कैटेगरी उसमें आपने वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली सिलेक्ट करनी होती है। एंड उसके साथ आप फॉर टाइम बीइंग मोबाइल डेवलपमेंट वाली सिलेक्ट करें फॉर प्रोफाइल अप्रूवल उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। यही जस्ट चीजें होती हैं जो आपने नोट डाउन करनी होती है ध्यान से लिखनी होती है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे बताएं क्लास में से जितने भी लोगों ने अभी बनाई है सबकी अप्रूव हो गई है या किसी की प्रोफाइल में कोई इश्यू आया या वो अंडर रिव्यू चली गई हो।
मैम अप्रूव हो गई है। ओके ठीक है, यहाँ तक आपकी प्रोफाइल जो है वो बन गई है, अप्रूव्ड प्रोफाइल है आपकी। अब आपने इस प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे देखें ऊपर अपवर्क की बात सर्च बार के टैब आ रही है, उसके आके आप देखें तो फाइंड वर्क में प्रोफाइल का वर्ड आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। यहाँ अब आपने पहला स्टेप लिया कि आपने साइन अप किया, उसके बाद आपने उसको वेरीफाई किया और अपनी प्रोफाइल को बनाना स्टार्ट किया। 12 स्टेप से वो कंप्लीट करने के बाद आपकी एक अप्रूव प्रोफाइल कंप्लीट होगी, बन गई। उसके बाद आपने इसको एडिट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। अब आपने अपनी स्किल्स के हिसाब से प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। आप अपना नेम तो ऑलरेडी जो आपने रखना था वो रख लिया, पिक आपने जो लगानी थी वो लगा ली। अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ पेंसिल के आइकन पे आप क्लिक करें और अपनी प्रोफाइल पिक को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस आ रहा होता है और यहाँ पे वीडियो इंट्रोडक्शन। वीडियो इंट्रोडक्शन क्या होता है? वीडियो इंट्रोडक्शन में एक अपना जैसे सेल्फी कैमरे से आप बनाते हो, इस तरह आप अपना एक वीडियो इंट्रोडक्शन बना सकते हो जिसमें आप अपना नेम वगैरह, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो। फ्रंट कैमरे से आप ये कैप्चर करके तो रिकॉर्ड करके आप इसको लगा सकते हैं। ये आप पे है कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अगर लगाने के एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, प्रोफाइल कंप्लीट होती है, अच्छी नजर आती है। लेकिन अगर ना भी लगाना चाहते इतना कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप हर हाल में लगाए लगाए, ये आप पे है कि आप लगा लें। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अब यह अवेलेबिलिटी है कि आप कितने हार्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे तीन तरह की अवेलेबिलिटीज आएंगी, ये है मोर देन 30 हार्स पर वीक, लेस देन 30 हार्स एज नीडेड। स्टार्ट में आप मोर देन 30 हार्स रखें क्योंकि अभी आपको काम की ज्यादा जरूरत है। जब आपके पास काम का ज्यादा रश हो जाए, काम ज्यादा आने लगे, तो उसके बाद एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बट स्टार्ट में आप आई विल सजेस्ट कि मोर देन 30 हार्स ये सिलेक्ट करें और इसको सेव कर दें, ऑटोमेटिकली भी यही आपका सिलेक्ट होगा। उसके बाद है लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आप लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, इंग्लिश है, उसके बाद अगर आप उर्दू रखना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, या अगर आपको कोई और भी लैंग्वेज आती है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उर्दू हमारी नेटिव है तो हम नेटिव सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन अब ये जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन चेंज कर सकते हैं। तो अबू हुरैरा आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे जाके जो भी चीजें मिस हैं या जो भी चीजें हमने डिफरेंट डाली हैं, फेक डाटा डाला है, आपने वो सारी चीजें चेंज करके इसको कंप्लीट कर देना है। पेंसिल के आइकन पे आपने क्लिक करके अपनी एजुकेशन जो भी आपका प्रोग्राम है वो सारी चीज आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ओके उसके बाद है ये मोबाइल डेवलपर, ये टाइटल है, ये टाइटल आपने एडिट कर लेना है। आपने यहाँ पे आप हो वेब डेवलपर तो आप वेब डेवलपर लिख लो, या जो भी आप अपना टाइटल देना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी अपना टाइटल रखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, कि आपकी क्या स्किल्स है और आप क्या टाइटल देना चाहते हो। उसके बाद हार्डली रेट, तो आप यहाँ पे हार्डली रेट भी एडिट कर सकते हो, पेंसिल के आइकन को क्लिक करो तो उसके बाद आप हार्डली रेट जो भी $5 $10 $8 $12 जो भी आप रखना चाहो रख लो। तो $10 से स्टार्टअप ले लो, जब काम आपका अच्छा चलने के लिए उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हो एनी टाइम। मैम और भी रेट होता है? जी हाली रेट होता है। जो अपवर्क है इस पे काम करने के दो तरीके हैं, फिक्स प्राइस और आर्ली रेट, यानी घंटों के हिसाब से काम किया जाता है। और एक फिक्स प्राइस होता है, फाइवर पे जस्ट फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आपके साथ प्राइस जो है वो फिक्स होती है कि $20 में दूंगा और मुझे ये प्लगइन कर दो, या मैं $50 दूंगा मुझे ये थीम कर दो, या जो भी है मुझे एक पेज बना दो एलिमेंटर के जरिए तो मैं इतने डॉलर दूंगा, वो फिक्स प्राइस होती है। लेकिन यहाँ पे आर्ली होता है, इसका एक प्लस पॉइंट है अपवर्क का कि जब हार्ली प्रोजेक्ट मिलते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन याद रहे ये जितना भी हार्ली वर्क होता है ये साथ ट्रैक भी होता है। जब आप काम करने लगते हो तो इसकी एक ऐप है, अभी हम जब वापस जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी ऐप है जो डाउनलोड की ली जाती है, उसे टाइम ट्रैकर बोलते हैं अपवर्क का। तो जब आप काम स्टार्ट करते हो तो वो ऐप स्टार्ट करनी होती है, जब हार्ली रेट घंटों वाला जो काम होता है वो आप स्टार्ट करते हो तो वो ऐप आपने स्टार्ट कर लेती है, ऑन कर लेना होता है टाइम ट्रैकर, तो उसके साथ आपका टाइम ट्रैक होता रहता है कि आपने इस क्लाइंट का कितने हार्स कितना टाइम काम किया है, और उस टाइम के ट्रैक होने के साथ साथ उस काम के स्क्रीनशॉट भी कैप्चर होके क्लाइंट की तरफ जाते रहते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जाते रहते हैं, आपकी वर्क डायरी में ऐड होते रहते हैं।
क्लाइंट जब देखता है तो उसे पता चल जाता है कि फलां टाइम आप इस पेज पे काम कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस वर्क आप ट्राई करें कि कोई भी दूसरा पैनल, कोई भी दूसरी टैब आप ओपन ना करें, कहीं और जाके काम ना करें। लाइक आप काम कर रहे हो, आप कहते हो कि मैं अच्छा फेसबुक भी एक दफा चेक कर लूं, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया। तो आपने बेस्ट ट्राई करनी है कि जब आप काम कर रहे हो तो जस्ट आप काम पे फोकस करो। अगर आपको कुछ और देखना पड़ गया तो आप उस टाइम ट्रैकर को ऑफ करें, और ऑफ करने के बाद आप जाके अपनी दूसरी चीज चेक करें और दोबारा से आप ऑन करके तो काम स्टार्ट करें। वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं, वो अभी जब ये प्रोफाइल कम्प्लीशन का स्टेप कम्प्लीट होता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या थे। जैसे फाइवर पे फिक्स प्राइस होते हैं, यहाँ भी फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ हार्डली प्रोजेक्ट्स भी होते होंगे। जितने घंटे आप किसी क्लाइंट का काम करेंगे उतने चार्जेस वो देगा। आप डॉलर 10 पर हार के हिसाब से यहाँ पे हमने फिक्स किया है। इसका मतलब कि अगर आप किसी क्लाइंट का एक एलिमेंटर के जरिए पेज बनाने बैठे हैं तो उस पर आपके लगते हैं 3 घंटे। तो एस्टिमेटेड अगर 3 घंटे में लगते हैं तो वहाँ 3 घंटे ट्रैक भी हो जाएंगे। उन 3 घंटों में आपने जो काम किया उसके स्क्रीनशॉट भी क्लाइंट की तरफ चले जाएंगे, और फिर आपके $30 यहाँ पे हो जाएंगे। जब आप काम करोगे तो उस वर्क डायरी की आपके $30 3 hours के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने जब काम करने लगना तो यहाँ पे आपने आके चेंज नहीं करना। यहाँ पे आप एक दफा जो लिख दो के वो लिखा रहने दे। ये है कि जब आपके पास काम का रश लग जाए, ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाए, ज्यादा जॉब्स आ जाए तो उस यहाँ पे आपने अपना टाइटल चेंज कर लेना है, हाली रेट आपने चेंज कर लेना है। अगर आप 20 भी रखना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्किलफुल पर्सन है और आप चाहते हैं कि मेरा मतलब मैं तो इतना प्रोफेशनल इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं $5 या $10 में एक घंटा काम नहीं कर सकता, तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। लेकिन स्टार्ट में आप ट्राई करें कि कम रेट रखें, बाद में आप इंक्रीज कर सकते हैं जबकि जब आपकी प्रोफाइल अच्छी सी चल जाए, काम सारा स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है वर्क हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री में अभी तक आपके पास कोई वर्क हिस्ट्री नहीं, क्योंकि आपने अभी तक कोई जॉब नहीं की, कोई काम नहीं किया। जब आप ऐसा ऐसा काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स अपवर्क पे करेंगे, तो वो जो आप करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। उनका जो रिव्यू होगा, जो फीडबैक होगा, क्लाइंट को आप देंगे और क्लाइंट आपको जो रिव्यू रेटिंग देगा वो सारी चीज यहाँ पे शो होगी, और जो भी उस प्रोजेक्ट का टाइटल होगा वो भी चीज यहाँ पे आएगी। ये आपकी वर्क हिस्ट्री ऑटोमेटिकली जब आप काम करेंगे तो बनती जाएगी। उसके बाद है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में ये है कि आप क्या चीज ऐड कर सकते हो। पोर्टफोलियो बेसिकली आपका होता है काम का शोकेस, कि आपने जो भी काम किया वो आपने अटैच करना होता है, शो करवाना होता है। जैसे ग्राफिक डिजाइनर हैं तो वो तो अपने लोगो, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, फ्लायर्स, बैनर, ब्रोशर्स, वो चीजें यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप वेब के हो तो आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक वेब के डिजाइनर हो या डेवलपर हो और आपके पास तो सिर्फ आप वेबसाइट्स बनाते हो तो आपके पास तो जस्ट लिंक्स होते हैं। नहीं, आप जो वो पेजेस बनाते हो वो टेम्पलेट्स में लगा के canva.com पे भी वो टेम्पलेट्स बने हैं, और freepik.com पे भी फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो वहां पे वो आप लगा के तो वो जिसमें वो दिखा रहे होते हैं, आईपैड का दिखा रहे होते हैं, मोबाइल का दिखा रहे होते हैं, एंड लैपटॉप स्क्रीन भी होती है, वो सारी स्क्रीन होती हैं, तो उनपे आप वो इमेजेस लगा के यहाँ पे अटैच कर सकते हो। प्लस के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट आपने गैलरी सिलेक्ट करनी है और फिर आपने इमेज अटैच करना होता है। थोड़ी सी साथ डिटेल लिख दें कि ये कौन सी ऐप है। यहाँ पे कंटिन्यू करें। यहाँ पे सॉरी आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बन जाएगी, स्पेसिफिक प्रोफाइल बन जाएगी, स्पेशल प्रोफाइल बन जाएगी। आपने ये भी बना लेनी है
और आपने पोर्टफोलियो भी ऐड कर लेना नेक्स्ट करते जाएं, और आपकी प्रोफाइल स्पेशल भी बन जाएगी जब हमने ओपन किया, ये क्रिएट अ स्पेशल प्रोफाइल, यानी एक ही कैटेगरी की एक ही स्किल की स्पेशल प्रोफाइल बन जाएगी। तो आपकी अभी मोबाइल की है, सॉरी वेब की है, तो आप वेब की ही क्रिएट करोगे और साथ में आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर लोगे। पोर्टफोलियो कैसे ऐड करोगे, जो भी आप वेब वगैरह बनाते हो, जो भी पेजेस बनाते हो, उनके जो इमेजेस हैं, जो भी वो पेज है, वो आप इस पे जैसे टेम्पलेट्स पे लगाते हो, freepik.com से उठा लो टेम्पलेट्स या canva.com से उठा लो, उन पे लगा के तो वो चीज यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद है स्किल्स, यहाँ पे अपनी अपनी स्किल्स ऐड करनी है। पेंसिल के बटन पे क्लिक करें, इन दोनों स्किल्स को रिमूव कर दें क्रॉस करके, और यहाँ पे अब आप अपनी स्किल्स ऐड करते रहें। जो भी आपकी स्किल है वो आपने ऐड करनी है। स्किल्स आप ऐड कर सकते हो। जो जो भी आपकी स्किल्स हैं अबू रहरा आपने यहाँ ऐड कर लेनी है। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, वेब की हैं जैसे या और भी कोई है, आपने 10 स्किल्स यहाँ पे ऐड कर लेनी है। और जब आप ऐड करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव आईफोन ऐप डेवलपमेंट मोबाइल, यस रिमूव। अब वो पहले वाली जो दोनों स्किल्स थी वो रिमूव होगी और ये दोनों ऐड होगी। अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते या उसका भी आपको कोई काम आता है तो आप उनको क्रॉस नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। बट कोई भी ऐप डेवलपर अभी नहीं होगा, वेब डेवलपर ही है सारे, तो आपने वेब की सारी स्किल्स डाल लेनी है। उसके बाद आ जाता है मैनेज प्रोजेक्ट। अब जैसे आप फाइवर पे गिग्स लगाते हो, सेम लाइक ये वही चीज़ है। अगर आप गिग लगा देते हो, कोई क्लाइंट आता है आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, उसको आपकी गिग अच्छी लगती है, उसको कोई पैकेज आपका अच्छा लगता है, तो वो उसको बाय कर लेता है, वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। सम टाइम क्लाइंट मैसेज करता है, आपके साथ डिस्कशन करता है, डील करता है, और सम टाइम वो डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता है। सेम लाइक ये भी ऐसे ही है। ये अपवर्क का एक न्यू फीचर आया है जो कि आप अपनी गिग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ मैनेज प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करो, ये भी ऐसे ही है, अब आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ये देखिए ऊपर ओवरव्यू, प्राइसिंग, गैलरी, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू, ये सेम वही स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। वहाँ भी ऐसे ही आता है, प्राइसिंग का भी टैब वहाँ पे आता है, ओवरव्यू भी, गैलरी भी आता है, डिस्क्रिप्शन का टैब आता है, रिक्वायरमेंट्स का टैब आता है, रिव्यू का टैब आता है। सेम लाइक ऐसे ही ये भी चीज़ है। पहले तो इसका यह था कि यहाँ पे डायरेक्ट आप फाइवर को लिंक कर सकते थे, लेकिन अब आप फाइवर की को डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, आपको खुद बनानी होती है। तो ओवरव्यू में यहाँ आप टाइटल डालो, उसके बाद आप यहाँ पे उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करो, सेव एंड कंटिन्यू करो। इसी तरह फिर प्राइसिंग का टैब है, जैसे वहाँ 3 पैकेजेस आप बनाते हो, सेम ऐसे ही यहाँ 3 पैकेजेस आप बना लो। उसके बाद गैलरी है, गैलरी में आप जो इमेज लगाते थे, जो गिग इमेज लगाते थे, जो गिग थंबनेल लगाते थे, वही सेम लाइक ऐसे ही यहाँ पे भी अपने वो बैनर लगाना होता है, चाहे तो आप उधर से वाले ही लगा लो अगर अप्रूव होता है तो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी सेम लाइक जैसे गिग की आप अबाउट दिस गिग वाला होता है, सेक्शन होता है, गिग की डिस्क्रिप्शन होती है, वही चीज यहाँ भी लगती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में सेम वही चीज जैसे आपको फाइवर पे क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायर्ड है, अगर वो अपनी एक वेबसाइट बनवाना चाहता है या वो एलिमेंटर का कोई पेज बनवाना चाहता है, तो वो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है क्लाइंट से, आप क्या क्या लेना चाहते हो, लाइक क्रेडेंशियल या जो भी चीज उसको चाहिए रिक्वायर्ड है आपको क्लाइंट से, वो आप मेंशन करते हो। यहाँ भी आप सेम चीज मेंशन करोगे। उसके बाद रिव्यू है, सारी चीज आप देखते हो और उसके बाद पब्लिश कर देते हो। लेकिन फाइवर पे ये होता है कि गिग फौरन आपकी पब्लिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, अंडर रिव्यू चली जाती है। वो अंडर रिव्यू क्यों चली जाती है, ये अपर की पॉलिसी है, वो सारी चीजें चेक करता है कि ये बंदा इस चीज के एलिजिबल है, इतना काबिल है कि उसने ये चीज लगाई है। सम टाइम बैनर की वजह से प्रोफाइल जो है वो रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट इस फॉर्म में होती है, ये जो गिग होती है इस फॉर्म में होती है कि आपको बैनर एक अच्छा सा बहुत प्रोफेशनल सा आपका बैनर होना जरूरी है, तब अपवर्क आपका अप्रूव करता है। तो आपकी जो गिग होगी, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, वो रिमूव नहीं होगा, अंडर रिव्यू जाएगा और उसके बाद वो
बताते हैं कि नीड सम चेंजेस, तो आपने अगेन एक इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनाते हो, canva.com पे आप जाके बना सकते हो, और उसका प्रोसेस क्या है canva.com यूज करना, आई होप थिंक आप लोगों को आता है, और फाइवर की दफा सन ने सिखा भी दी है। तो आपने canva.com पे एक अच्छा सा इमेज बना लेना, आपने ट्राई करते रहना जब तक आपकी ये प्रोजेक्ट जो है, ये गिग जो है, अप्रूव नहीं हो जाती। बेसिकली ज्यादातर चीज जो है ये एक बैनर की वजह से होती है, सम टाइम कोई और भी इशू होता है तो वो मेल भी कर देते हैं, वो बता देते हैं कि नीड सम चेंजेस, और आप उसमें दोबारा से चेंजेस करके दोबारा से इसे सबमिट कर सकते हो। जो भी आपने चीजें की है वो आपकी रिमूव नहीं होती, सेव रहती है, जस्ट सम चेंजेस की जरूरत होती है। वो चेंजेस करने के बाद आप दोबारा से सबमिट कर सकते हो। इस तरह आप इस पे लिमिट नहीं होती। फाइवर पे तो ये है कि आप 7 लगा सकते हो, यहाँ पे लिमिट नहीं है, आप 10 लगा लो, 12 लगा लो, गिग्स लगा लो, जितनी मर्जी है लगा लो। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बेसिकली बोलते हैं और फाइवर पे गिग्स बोलते हैं, तो आपकी मर्जी है, यहाँ आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो बना लो। तो आप लोग स्टार्ट में जहाँ गिग जो बना रहे हो वही मटेरियल जो है, वही डेटा जो है यहाँ डालते जाओ, और यहाँ भी आप बना लो। उसके बाद आ जाता है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल वो चीज होती है जो क्लाइंट की तरफ से आपको फीडबैक मिलता है। तो अभी तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आप काम करोगे तो आप 2-4 क्लाइंट्स को कह सकते हो कि प्लीज मुझे ये चीज दो। तो क्लाइंट्स को इस चीज का पता होता है, और वो जो क्लाइंट अपना फीडबैक देता है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, प्लस के आइकन पे क्लिक करके वो जेपीजी पीएनजी जो भी है वो आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो। और टेस्टिमोनियल के बारे में सर भी आपको बता चुके हैं कि टेस्टिमोनियल बेसिकली क्लाइंट की तरफ से गिवन फीडबैक होता है। उसके बाद है सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन है यहाँ आपने देखना है कि आप कोई भी सर्टिफिकेट उठा के अटैच नहीं कर सकते। जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन आती है। अब यहाँ पे आपने देखना है, अगर तो यहाँ की किसी भी चीज का आपके पास सर्टिफिकेट है, लाइक आपके पास किसी भी इधर से वेब का भी होगा, ये एसोसिएटेड एंड्रॉइड डेवलपर या इस तरह कोई भी और सर्टिफिकेट है, आपने सारे चेक कर लेने हैं। अगर किसी भी चीज का आपने किया हुआ है, नेटवर्क एसोसिएट आपने ये किया हुआ है या कुछ भी इधर से किया हुआ है, तो आपने वो चीज यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसको अटैच कर लेना है। ओरेकल का कोई है आपके पास किसी का भी, वो अटैच कर लेना है। कि अगर आपका दिल हो कि टैपटा की तरफ से कोई गिवन सर्टिफिकेट पीडीएफ वगैरह आप अटैच कर सको, या यूनी का कोई सर्टिफिकेट आप अटैच कर सको, तो वो चीज़ आप अटैच नहीं कर सकते। यहाँ जो गिवन है यहीं से आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कैटेगरीज दी गई हैं उसमें से कोई स्किल आपने की हुई है तो वो आप अटैच कर सकते हो। मैम नीचे कस्टम का भी ऑप्शन था वैसे। कस्टम यहाँ पे फिर आप सिलेक्ट करो, थैंक यू फॉर दिस करेक्शन। यहाँ पे आप अपना नेम लिखो, उसके बाद आप अपना प्रोवाइडर लिखो यानी किसकी तरफ से आपको मिला गया है, डिस्क्रिप्शन लिखो और ये फिल आउट आपने करना है। फिर ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो वो सर्टिफिकेट आपका अटैच हो जाएगा। इशू डेट, किस डेट को आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, एक्सपायर कब हो रहा है। समटाइम एक्सपायरेशन डेट होती भी और समटाइम नहीं भी होती, मोस्टली सर्टिफिकेट्स पे एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। आईडी, जो सर्टिफिकेशन आईडी है यहाँ पे आपका नेम होगा, और अगर आपका कोई वेब पे पढ़ा हो तो यूआरएल होगा, लाइक कोई आपने कोर्स किया है वो ऑनलाइन कहीं पढ़ा है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये वैसे ऑप्शनल भी है। यहाँ पे आप पे ये अपना कोई भी किसी भी स्किल में आपने कोई भी शॉर्ट कोर्स किया हुआ है या कुछ भी डिप्लोमा किया हो तो वो चीज़ अटैच कर सकते हो। और अगर ऊपर जो कैटेगरीज थी उनमें से आपको सिलेक्ट कर लो तो वेल एंड गुड। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ये पहले हमने छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे प्लस के आइकन पे, तो अगर आपने कहीं भी कोई भी काम किया है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस पे, कोई 3 मंथ 2 मंथ 1 ईयर 6 मंथ कुछ भी काम किया, तो आपने वो चीज़ ऐड करनी है। मिनिमम 2 आप जो है वो ऐड कर लें। अगर आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई भी वर्क नहीं है, तो आप कुछ भी अपनी तरफ से फॉर टाइम बिंग ऐड कर लें। कंपनी नेम, यहाँ कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, कोई भी सॉफ्टवेयर नेम लिखे, सिटी अपना कोई भी सिलेक्ट कर लें, सरगोधा है या गुजरात है या जहाँ भी आप बिलोंग करते हो वहाँ का टाइटल दे रहे हैं कि मोबाइल डेवलपर हैं या ऐप डेवलपर हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो भी आप हैं
वो टाइटल दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से कब से लेके कब तक है, ड्यूरेशन इसमें वो पूछ रहे हैं, और करंटली वर्किंग है तो यहाँ पे आप करंटली सिलेक्ट करोगे तो ये चीज नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बता दो कि ये मोबाइल डेवलपमेंट का इतना एक्सपीरियंस है, ये चीज, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपने दो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्रीज ऐड कर लेनी है, अगर आपके पास कोई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप दो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्रीज ऐड कर लो। उसके बाद है अदर एक्सपीरियंसेस, अदर एक्सपीरियंसेस में भी आप इसी तरह चीजें ऐड करोगे, अगर आपके ने किसी स्कूल में पढ़ाया है, कुछ किसी एकेडमी में पढ़ाया है, कोई भी चीज आपके पास है एक्सपीरियंस के तौर पे, या किसी भी आउटसोर्स, कोई भी आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, कुछ भी आपने किया है, तो आप वो चीज ऐड कर सकते हो। प्लस के आइकन पे क्लिक करो, ऊपर सब्जेक्ट, तो अगर आपका कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है आप वो भी ऐड कर सकते हो, तो सब्जेक्ट में आप वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का नेम लिख लो और डिस्क्रिप्शन में उसकी थोड़ी सी डिटेल्स डाल दो, यहाँ पे आप वो भी चीज अटैच कर सकते हो। अब ये सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट करने, जब आप कंप्लीट करोगे तो आप वापस फाइंड वर्क पे जाओ, यहाँ पे आप राइट साइड पे देखिए, इधर अवेलेबिलिटी के नीचे आपकी प्रोफाइल अभी 40% है, तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल 100% करनी है। तो ये 100% कैसे होगी, अगर तो अब आप इधर देखिए नीचे वो सजेशन भी दे रहा है एड वर्क हिस्ट्री, इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे एक भी वर्क हिस्ट्री आपकी ऐड होती है तो 30% आपके पास वो प्रोफाइल आपकी अप हो जाएगी। अगर आप सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद यहाँ के देखोगे तो मिनिमम आपकी 90% जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। सबसे पहले पहला स्टेप कि आपने जब अपनी प्रोफाइल अप्रूव कर ली, बना ली, उसके बाद आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करनी है और बाकी भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी चीजें हैं वो सारी आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपकी एक प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपने फाइंड वर्क पे क्लिक करना है और आप इस पैनल पे आ जाओगे। इस पैनल पे आने के बाद आप देखो आपकी प्रोफाइल कितने परसेंट कंप्लीट हुई है, तो अगर तो आपकी 100% नहीं है तो यहाँ पे नीचे वो सजेशन दे रहा होगा कि ये काम करो, ये फीचर ऐड करो, ये चीज ऐड करो, तो आपकी प्रोफाइल इतने परसेंट अबव हो जाएगी। जब आप ये सारी चीजें कर लो तो एंड पे अगर 90% हो जाती है या 95% हो जाती है, तो यहाँ पे वो आपको कहता है कि आप 5% के लिए एक कोई भी सोशल लिंक अटैच कर दो, वो ट्विटर का लिंक हो सकता है, वो बिहेंस का लिंक हो सकता है, तो वो सजेस्ट कर रहा होता है कि ये चीज आप ऐड कर दो, अगर तो वो चीज आपके पास है तो आप ऐड कर दो, और इस तरह आपकी प्रोफाइल 100% हो जाती है। 90 अबव होना जरूरी है कि आपकी अच्छी प्रोफाइल हो, बेस्ट ट्राई करें कि 100% मस्ट हो, लेकिन अगर 90-95 भी हो जाती है तो वेल एंड गुड, बाकी टाइम के साथ जब आपकी वर्क हिस्ट्री ऐड होती है तो 100% हो जाती है। आपने अपने प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप फाइंड वर्क पे गैप पे और फाइंड वर्क में देखिए, आप लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे आपकी ये कैटेगरीज आ रही हैं, माई कैटेगरीज, यहाँ पे आपने जाके पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और ये चीज आपने सिलेक्ट करनी है। जो हमने स्टार्ट में मेन कैटेगरी मोबाइल डेवलपमेंट वाली रखी थी, यहाँ से आके हमने चेंज करनी है, स्क्रॉल डाउन करें, ये वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ से आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी कैटेगरीज हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल डेवलपमेंट अनचेक कर दें, वेब एंड मोबाइल डिजाइन वाली को सिलेक्ट कर लें, अदर सॉफ्टवेयर अगर आपकी आती है, वेब डिवेलपमेंट है, और यहाँ और भी जो भी आपको काम आता है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, ई कॉमर्स की वेबसाइट आप बना सकते हो, तो यहाँ से आपने वो अपनी सिलेक्ट करनी है और सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी वो चीज यहाँ पे आ जाएगी माई कैटेगरीज में। अब जो यहाँ पे आपको जॉब्स होती हैं वो इन कैटेगरीज की जॉब्स आपके पास आ रही होती हैं, जो आपकी स्किल्स ऐड हुई हैं उनके हिसाब से और इस कैटेगरी के हिसाब से आ रही होती हैं। ये रिसेंट सर्च है, आपने यहाँ कुछ भी, ये जो ऊपर टैब है सर्च का, सर्च फॉर जॉब, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट किया है तो वो चीज आ रही होती है कि आपने रिसेंटली क्या सर्च किया। बेस्ट मैच है, बेस्ट मैच में आपकी स्किल्स, आपकी कैटेगरीज के रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर फॉर सिंगल पेज, वो आपकी कैटेगरीज के हिसाब से जितनी भी बेस्ट मैचेस जॉब्स हैं वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा होता है, और रिकमेंडेड में कि आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जॉब अपवर्क जो है आपको रिकमेंड कर रहा है, वो चीज आ रही है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद फाइंड वर्क पे जाके आपने ये स्टेप कंप्लीट करना है माई कैटेगरीज वाला, वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आप देखें आपके पास ये जॉब्स वाला फीड आ रहा है, माई फीड जॉब्स वाली टैब आ रही है, और उसके लेफ्ट राइट साइड पे आप देखिए माय प्रोफाइल, उसके बाद व्यू प्रोफाइल, विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक है,
ये आपकी अभी पब्लिक ही सबकी होगी। जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक लंबे अरसे बाद काम नहीं करते, आपकी प्रोफाइल पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, देन ये प्राइवेट कर देते हैं आप वर्क वाले। तो अपने बेस्ट ट्राई करनी है कि आप डेली कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई बिडिंग मस्ट करें और अपनी प्रोफाइल को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद इसको लेके चलें, ताकि आपको काम भी मिले और आपकी प्रोफाइल भी ग्रो करें। उसके बाद अवेलेबिलिटी आपको मैंने बताया मोर देन 30 आवर्स रखनी है। वर्क स्पीड ये अपने प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए करनी है। और उसके आगे है प्रपोजल। जैसे फाइवर पे आपको 10 ऑफर्स डेली की मिलती हैं, डेली आप 10 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो, 10 रिक्वेस्ट कर सकते हो। सेम लाइक यहाँ पे आपको 50 कनेक्ट्स मिले हैं, वहाँ पे डेली के पर डे 10 थे, लेकिन यहाँ पे पर मंथ 50 कनेक्ट्स हैं। ये जो 50 कनेक्ट्स हैं वो आपको एक मंथ के लिए मिल रहे हैं। ये चाहे तो आप एक दिन में ख़त्म कर लो, चाहे आप पूरा मंथ यूज़ करो, लेकिन वहाँ तो ये था कि आप एक जॉब पे एक ही रिक्वेस्ट आपकी लगती है, यानी आप डेली 10 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, कनेक्ट्स का सीन थोड़ा सा अलग है। सम टाइम एक जॉब के लिए 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सम टाइम एक जॉब के लिए 4 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सम टाइम 6 रिक्वायर्ड होते हैं, एंड सम टाइम 8 कनेक्ट्स भी किसी जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और सम टाइम 1 कनेक्ट से भी काम चल जाता है। 8 कनेक्ट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, 4 भी, 6 भी और 1 कनेक्ट से भी काम चल जाता है। ये अकॉर्डिंग टू जॉब होता है कि वो जॉब किस लेवल की है या कितनी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह वो रिक्वायर्ड करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 50 कनेक्ट्स हैं, ये किसी को 80 मिले होंगे, किसी को 60 मिले होंगे, किसी को 40 मिले होंगे और इनको 50 मिले हैं अबू हुरैरा को। तो ये जितने भी 50 हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये हम 50 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें कुछ जॉब्स के लिए 4 लगाने पड़ेंगे, कुछ के लिए 2 लगाने पड़ेंगे, 6 और 8 वाले की तरफ हमें बहुत कम जाना होगा, क्योंकि स्टार्ट में हम 2 और 4 वालों को ही प्रेफर करेंगे। ये कनेक्ट्स के अगर बटन पे आप क्लिक करो, तो जब आपके कनेक्ट्स यहाँ पे 0 हो जाते हैं, तो उसके बाद इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है कि बाय न्यू कनेक्ट्स। तो बाय न्यू कनेक्ट्स पे आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हो, मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स, ये टैब आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए समरी, करंट प्लान आपका क्या है, बेसिक। अभी आप बेसिक प्लान पे जा रहे हो। अपवर्क पे 2 तरह के प्लान होते हैं। फाइवर पे ये होता है कि अगर आपको काम नहीं भी मिला, लेकिन वो आपको 10 जॉब्स डेली की मिलती रहती है, मतलब डेली 10 जॉब पे आप मस्ट अप्लाई कर सकते हो, और ना तो वो पब्लिक होता है, ना तो वो प्राइवेट होता है, और ना ही वहाँ कोई पेड वाला सिस्टम है। फाइवर टोटली फ्री प्लेटफॉर्म है। लेकिन अपवर्क जो है, यहाँ पे जब आप एक दफा कनेक्ट खत्म हो जाते हैं, एक दफा आपकी प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है, तो उसके बाद आपको यहाँ से मेंबरशिप बाय करनी होती है। यहाँ पे 2 तरह के प्लान होते हैं, एक बेसिक प्लान होता है और एक मेंबरशिप वाला प्लस प्लान होता है। जब आपके पास कनेक्ट खत्म हो गए, आपके पास कोई काम नहीं आया, कोई हायरिंग नहीं हुई, कोई जॉब आपने नहीं की, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल को चलाने के लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है, इसके 2 प्रोसेस हैं, या तो आप कनेक्ट्स बाय करते हो या आप मेंबरशिप बाय करते हो। अगर तो आप कनेक्ट्स बाय करते हो, तो उसका ये होता है कि आपको $2 में, $5 में, $6 में, वो इन्होंने अपने आप प्राइस पैकेज बनाया, उसके हिसाब से कनेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप मेंबरशिप बाय करते हो, तो उसका फायदा ज्यादा होता है। $15 मंथली आपको उसके पे करने पड़ते हैं, वो आप पे कैसे कर सकते हो। अगर तो आपने अपवर्क पे कोई काम किया हुआ है और यहाँ पे $15, $14, $16 पड़े हैं, तो यहाँ से कटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं पड़ा हुआ, तो अगर आपके पास मास्टर कार्ड है और आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, आपकी इतनी कैपेसिटी है, आप चाहते हो कि मुझे अपनी प्रोफाइल चलानी है और उसके लिए मैं पे करने के लिए एग्री हूँ, तो आप अपना जो मास्टर कार्ड है वो इसके साथ अटैच कर सकते हो, या वीसा कार्ड अटैच कर सकते हो, और वहां से $15, $2400 वो मंथली चार्ज आपको कर लेगा, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो। अब मेंबरशिप और कनेक्ट्स में क्या फर्क है, जॉब्स पे अप्लाई ही करना है तो हम कनेक्ट्स क्यों ना बाय कर लें, मेंबरशिप पे ज्यादा पैसे हम क्यों लगाएं। मेंबरशिप का फायदा ये होता है, एक तो मेंबरशिप में आपको इनविटेशंस मिलती रहती हैं क्लाइंट की तरफ से, क्लाइंट खुद आपको इनवाइट करता है, जब वो पोस्ट करता है तो वो खुद से कुछ फ्रीलांसर्स को इनवाइट करता है, इनविटेशन सेंड करता है, और उस इनविटेशन को देखते हुए फिर हम प्रपोजल सेंड करते हैं, और अगर उसको अच्छा लगता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें हायर कर लेता है या हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है, हमारा इंटरव्यू करता है। और दूसरी चीज होती है
एक तो ये फायदा होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि अगर एक मंथ में जो भी कनेक्ट्स आपने यूज कर लिए और कुछ कनेक्ट्स आपके पास बच गए, तो वो कनेक्ट्स आपके वेस्ट नहीं जाते, वो कनेक्ट्स आप नेक्स्ट मंथ में यूज कर सकते हो, वो आपके नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाती हैं। इसका ये फायदा था कि जितने भी कनेक्ट्स आपके बच जाते हैं मेंबरशिप में, वो आपके नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाते हैं। और आप चाहे तो एक मंथ में बिजी थे, आप ज्यादा जॉब्स को अप्लाई नहीं कर सके, आपके कनेक्ट्स 40 पड़े हैं, तो वो 40 कनेक्ट्स हैं वो नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ की आपके पास मेंबरशिप आती है। तो और दूसरी चीज एक इस पे अब बाय कैसे करना है, करंट प्लान आपका बेसिक है, अब व्यू एंड एडिट मेंबरशिप इस पे क्लिक करें। ये देखिए आपके पास ये बेसिक और ये प्लस दो प्लान आ गए। बेसिक के क्या फायदे हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, और प्लस के क्या फायदे हैं वो भी लिखे हैं। अब जब आप प्लस वाला करते हो तो इसमें 14.99 ये आपकी फीस लगती है, और इसके फायदे ये हैं कि 80 कनेक्ट्स मिल जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ 10 कनेक्ट्स पर मंथ होते हैं बेसिक प्लान में, लेकिन यहाँ पे 80 कनेक्ट्स होते हैं। आपकी प्रोफाइल हिडन नहीं होती, आपकी अर्निंग जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, आपका कंपटीटर कितनी बिडिंग कर रहा है वो चीज़ आप देख सकते हो, आपका प्रोफाइल का जो URL है वो आप कस्टम कर सकते हो, और आपकी ये जो बाकी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं ये सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं प्लस प्रोफाइल के या मेंबरशिप के। यहाँ से आप बाई कर सकते हो। आप क्रेडिट टू प्लस पे करोगे तो नेक्स्ट आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये वो कह रहा है कनेक्ट यूएस 70 आपको मिलेंगे अगर आप प्लस वाला एक्टिव करते हो, यानी मेंबरशिप बाई कर, तो 50 ऑलरेडी है तो टोटल आपके 120 बन जाएंगे। उसके बाद एक्टिवेट फ्रीलांसर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो पेमेंट मेथड बता रहा है कि किस पेमेंट मेथड के जरिए आप मेंबरशिप बाई कर सकते हो। ऐड बिलिंग मेथड, यहाँ पे एक वीजा कार्ड आ रहा है, एक मास्टर कार्ड आ रहा है। कार्ड नंबर यहाँ पे लिखो, फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है वो लिखो, और सिक्योरिटी कोड लिखो। बाकी जो तीन यहाँ पे उन्होंने पेमेंट मेथड दिए ये हमारे पास नहीं है, पेपाल भी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास मोस्टली वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड होता है, तो उसके जरिए ही हम बाई कर सकते हैं। अगर तो आपके अपवर्क पे पैसे पड़े हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है इतने डॉलर्स का, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मेंबरशिप मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं पड़े देन आपको मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के जरिए मेंबरशिप बाय करनी पड़ती है। ये थी मेंबरशिप की। उसके नीचे देखिए बाय कनेक्ट 50 अवेलेबल है, बाय कनेक्ट पे आप क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें तो आपके पास ये टैब ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख लें अभी आपके पास 15 है। ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करें तो सारी रेटिंग, सारे प्राइसेस पैकेजेस आपको शो हो रहे हैं कि 10 कनेक्ट जो है $1.5 में मिलेंगे, 20 जो है वो $3 में मिलेंगे, $46 में मिलेंगे, 60 जो है $9 में मिलेंगे, 80 जो है वो $12 में मिलेंगे। यहाँ से अगर आपके पास आप काम कर रहे हो, बेसिक ही आपका प्लान है, लेकिन आपके कनेक्ट खत्म हो गए हैं, बट आपके पास $10 पड़े हैं, आप मेंबरशिप बाय नहीं कर सकते, तो आप कहते हो कि चले मैं इसके लिए 60 कनेक्ट बाई कर लेते हैं, मिनिमम मैं 15 जॉब्स पे मजीद अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप वो भी बाई कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पे होता है, अगर आपके पास जितना बैलेंस अवेलेबल है या जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, या जिस तरह आप बेहतर समझते हो कि मेंबरशिप के ये फायदे हैं तो मैं मेंबरशिप बाई करूँ, या बेसिक प्लान में ही मैं रहते हुए कनेक्ट बाई कर लूँ। ये थी मेंबरशिप बाई करने की और कनेक्ट बाई करने की चीज। ये यहाँ तक गया। इसके प्रपोजल के बाद है ट्रैक टाइम विद डेस्कटॉप ऐप, ये वो ऐप है, ये वो टाइम ट्रैकर है अपवर्क का, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया, जो पहले बताया कि यहाँ से हमने ऐप डाउनलोड करनी होती है, ये मेरे पास डाउनलोड है ऑलरेडी। तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास जब आप उसको ऑन करते हो तो जितने भी हार्डली कनेक्ट आपके पास, जितने भी हार्डली कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होते हैं, जितने भी हार्डली जॉब्स आपकी, अगर कोई आपको किसी क्लाइंट ने हायर किया हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका नेम शो करवा रहा होता है, तो उस नेम में से आपने चूज करने, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट है तो फिर एक ही नेम शो हो रहा होगा, लेकिन अगर दो या तीन क्लाइंट्स आपके पास हाली जिन्होंने आपको हायर किया हुआ है, तो आपके पास वो दो या तीन जो क्लाइंट्स के नेम है वो आ रहे होंगे, उनमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, और फिर उसके प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, वहाँ पेंसिल का आइकन बना हुआ है उस पर आप नेम लिखोगे। अभी मेरे पास लॉग इन नहीं है, अगर मैं इसको लॉग इन कर लूँ तो फिर ये मेरे पास सारी चीज शो करवाता है कि आपने किधर कनेक्ट नेम लिखना है कॉन्ट्रैक्ट का, और उसके बाद क्लाइंट का नेम लिखना है, और सारी चीज लिखने के बाद
आपके पास एक बॉक्स सा बना हुआ आ जाएगा जिसमें आपका जो भी स्क्रीनशॉट है वो चल रहा होगा जो आप काम कर रहे होगे, और उधर ही आपके पास टाइम भी शो हो रहा है कि कितना टाइम आपने काम कर लिया या किस टाइम आपने स्टार्ट किया। वो सारी चीज आपने जस्ट सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप ईमेल लगा के ऑन करोगे तो वहाँ आपके पास ऊपर आ जाता है क्लाइंट का नेम, वो सिलेक्ट करो, उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम जो भी है, यानी अगर एलिमेंटर का कोई पेज बना रहे हो या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहे हो या आप कोई थीम एडिट कर रहे हो या कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो उसमें कोई कस्टमाइजेशन कर रहे हो या कोई भी वैसे इसकी वेब की कोई कस्टमाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी न्यू चीजें ऐड कर रहे हो, गैलरी पे काम कर रहे हो, तो वो चीज प्रोजेक्ट का नेम लिखो और अपना टाइम स्टार्ट कर लो। ऑन ऑफ का बटन है, सिंपल बटन है, ऑन ऑफ आप उसे कर सकते हो और ऑन ऑफ करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि जब आप काम कर रहे हो क्लाइंट का तो फोकस रखें कि आप उसी चीज पे रहें। अगर आप ड्यूरिंग वर्क किसी और टैब को ओपन करते हैं तो वो क्लाइंट की तरफ वो हिस्ट्री भी चली जाती है, आपको नहीं पता, क्योंकि ये इन्फॉर्म किए बगैर, ये जो ट्रैकर है ये इन्फॉर्म किए बगैर, वार्निंग दिए बगैर स्क्रीनशॉट ले लेता है जो भी आपके पैनल ओपन होता है, जो भी आपकी टैब ओपन होती है, जहां भी आप काम कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट लेके कभी वो 2 मिनट्स में ले लेता है, कभी 3 में, कभी 5 में, कभी 10, कभी 15 भी गुजर जाते हैं और वो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेता है। आपको पता नहीं है कि अभी कितने मिनट्स का ये स्क्रीनशॉट लेगा, कितने मिनट्स बाद लेगा। आप फेसबुक ऑन कर लेते हो या कोई भी और टैब ओपन कर लेते हो तो एक बैड इंप्रेशन बनता है। क्लाइंट कहता है कि अच्छा मेरे टाइम में ये मेरे चार्जेस के साथ कोई और भी साथ प्रोजेक्ट कर रहा है या कोई और भी साथ काम कर रहा है, कोई और भी एक्टिविटीज कर रहा है। इसलिए बेस्ट ट्राई रखें कि जब कोई हार्डली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब कोई घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं, टाइम ट्रैकल वाला काम करें, तो आप सिर्फ उसी काम पे अपना फोकस रखें। इस तरह ये टाइम ट्रैकर की ऐप काम करती है। ये थी इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब ऊपर जो टैब है सर्च बार है, यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो, अपवर्क के लोगों के बाद आप इधर क्लिक करो टैलेंट प्रोजेक्ट जॉब्स। यहाँ भी अगर आप किसी टैलेंट में ये वो आ जाता है कि आप किसी फ्रीलांसर्स को देखना चाहते हो या किसी एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हो। प्रोजेक्ट्स हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, ये अभी न्यू फीचर इन्होंने ऐड किया, और जॉब्स आप नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि जॉब्स में वो क्या चीज़ आपको शो करवाएगा। अप्लाई टू जॉब पोस्टेड बाई क्लाइंट, जॉब्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट जॉब्स ओपन हो जाएंगी, जिन पे भी आप क्लिक, जैसे ये माई फीड में आ रहा है सेम लाइक ऐसे। उसके बाद फाइंड वर्क, फाइंड वर्क में आपका यही टैब ओपन होगा जो अभी आपका ओपन है, सेव जॉब। सेव जॉब का ये होता है कि आप देख रहे हो, अपर को देख रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, आपको कोई जॉब अच्छी लगती है, आप उसको सेव कर लेते हो। ये जो हर्ट का साइन बना हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगी वो जॉब आपके पास। जब सेव हो जाएगी तो जब आप सेव जॉब पे क्लिक करोगे तो जितनी भी जॉब आपने सेव किया आप वो देख सकती हो। अब जॉब सेव क्यों करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं या आप ऐसे ही देख रहे हो, देखते हो कि अच्छा ये जॉब मेरे पास अच्छी है, मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ, मजीद मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँ, मजीद जॉब्स मैं चेक कर लूँ, तो आप उसको सेव कर लो। और दोबारा जब आप उसको करते हो, बैक जाते हो और सारी जॉब चेक करने के बाद आप कहते हो मैं बैठ के अप्लाई कर लूँ, तो आप उस जॉब को सेव्ड जॉब वाली टैब में से कर सकते हो। प्रपोजल, जो भी आप प्रपोजल सेंड करते हो, जैसे फाइवर भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो सेम लाइक प्रपोजल होता है, यहाँ पे आप प्रपोजल सेंड करते हो, वो कैसे सेंड करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद प्रोफाइल का टैब है, प्रोफाइल का टैब हम कर चुके हैं, माय स्टैट्स है, माय स्टैट्स पे आप सारी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हैं प्रोफाइल की, जैसे उधर एनालिटिक्स का बटन है सेम लाइक ऐसे ही यहाँ पे माय स्टैट्स का है। उसके बाद अपवर्क रेडीनेस टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है, फाइवर की तरह नहीं है, सिंपल है, यहाँ भी मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, सॉरी MCQs ही होते हैं जो आपने सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन वहाँ पे था कि एक या दो का ऑप्शन, बट यहाँ मल्टीपल चॉइस होती हैं, आप उनको सेलेक्ट करना होता है, सिंपल से। अगर आप इसको कर लो तो आपको इसके भी कनेक्ट्स मिल जाते हैं। तो आप सब लोगों ने ये ट्राई करना है कि ये टेस्ट आप कर लो थोड़ी सी, लेकिन ये आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद इसको कीजिएगा। उसके बाद माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, जो भी आप काम करते हो वो सारा डैशबोर्ड जो है आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट टैब है माय जॉब्स का, माय जॉब्स जितनी जॉब्स आप कर रहे हो या जितनी जॉब्स आपने की हैं, जो भी काम किया है वो सारा आएगा। उसके बाद ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो
जो भी आपकी हायरिंग हुई है वो सारी चीज शो करवाते हैं। नेक्स्ट है वर्क हिस्ट्री, वर्क डायरी। वर्क डायरी में वो चीज आएगी जो आपने हार्ली प्रोजेक्ट किया है उसका जो ट्रैक हुआ है उसके जो स्क्रीनशॉट है वो सारी चीज वर्क डायरी में आ रही होती है विद स्क्रीनशॉट्स। जब आप काम कर रहे हो अगर आप देखना चाहते हो कि एक स्क्रीनशॉट एक्स्ट्रा चला गया तो आप इस वर्क डायरी पे आके तो यहाँ से वो देख के अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। आप देखना चाहो कि अभी कौन सा स्क्रीनशॉट गया था वो भी देख सकते हो। रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में सारी चीज आ जाती है, ओवरव्यू माय रिपोर्ट्स, कनेक्ट हिस्ट्री के कितने कनेक्ट वगैरह आपके पास है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जैसे फाइवर पे अर्निंग का टैब है, ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो टैब है, यहाँ पे आपकी जितनी भी जितना भी बैलेंस होगा जो भी आपने काम किया वो सारी चीज यहाँ पे आ रही होती है, जितने भी पेमेंट जितनी आपकी एक्टिव है जितनी जिस डेट को आनी है जितनी फीस है वो सारी चीज यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ रही होती है। सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग जितनी आप फाइवर अपर पे अर्निंग करोगे वो सारा चीज इस पे आपको शो हो देती है, सर्टिफिकेट होता है उसका। अब जैसे मैसेज के टैब था फाइवर पे, सेम लाइक अपर पे भी ऐसे ही टैब है। फाइवर पे ये था कि आगे दो बॉक्स बने होते थे, एक नोटिफिकेशन का होता है एक मैसेज बॉक्स का होता है। मैसेज में जस्ट आपकी चैट पड़ी होती है और नोटिफिकेशन वाले में आपको पता चलता है कि आपका कौन सा ऑर्डर आया है या कौन से ऑर्डर पे आपने काम किया। लेकिन यहाँ पे ये एक ही टैब है और यहाँ पे ही आपने करना होता है, यहाँ पे ही आपको मैसेज आते हैं और यहाँ पे आपको जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट है जो भी आपकी जॉब स्टार्ट है वो सारी चीज शो हो रही है। यहाँ पे सर्च के टैब है, सर्च में आप देख सकते हो कि कोई भी क्लाइंट आया है उसको आपने सर्च करना है तो वो चीज यहाँ पे आपको शो हो रही है। मैसेज का टैब कैसे आपके पास वर्क करता है, यहाँ पे आप देखें ये मैसेज के टैब पे हमने क्लिक किया और ये देखेंगे जितने भी क्लाइंट्स के साथ डिटेल्स में बात हुई है जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है वो सारी चीज यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर क्लाइंट को डिटेल देखना चाहो तो क्लाइंट के नेम पे से क्लिक करो तो आपके पास ये डिटेल्स आ रही है, क्लाइंट कहाँ क्या है उसकी तरफ क्या टाइम है, ये सारी चीज आपके पास शो हो रही है। यही आपको पता चलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और यही आपको पता चलता है कि किसी ने आपको मैसेज किया है। अब इस क्लाइंट के साथ काम हुआ है तो ये व्यू डिटेल्स पे आ रहा है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है और यहीं पे इसके साथ चैट हुई है तो ये चैट भी यहीं पे शो करवा रहा है। इसी एक टैब के अंदर ये सारी चीज आपके पास शो हो रही होती है। उसके बाद ये हेल्प का बटन, उसके बाद नोटिफिकेशन, जब आपके पास कोई मैसेज आता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो वो नोटिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई आपका आउटसाइडर क्लाइंट है फाइवर अपवर्क के अलावा कहीं क्लाइंट है तो आप चाहते हो कि उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा अपवर्क पे स्टार्ट हो तो आप यहाँ से उसे डायरेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ स्टार्ट कर लेते हो। नेक्स्ट आपकी अपनी प्रोफाइल है, इस पे क्लिक करो तो यहाँ इनविजिबल, आप ऑफलाइन होना चाहते हो तो उसके लिए इनविजिबल की टैब पे क्लिक कर दो, ऑनलाइन रहना चाहते हो तो ऑनलाइन पे, सेटिंग में जाओ तो इस पे भी लॉग आउट करना चाहो अपनी प्रोफाइल तो लॉग आउट कर सकते हो। सेटिंग के बटन में जाओ तो यहाँ पे आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का वो मांगेगा, आपने यहाँ पे एक अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेना है और उसका आंसर भी आपने याद रखना है। जब आप किसी दूसरे सिस्टम पे अपना लॉग इन करोगे तो वो आपसे वो सिक्योरिटी आंसर मांगेगा तो वो आपने मस्त देना, आपने ऐड अनेबल कर लेना है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, अबू रहरा आपने भी यहाँ पे अनेबल कर लेना है, ऐड कर लेना है और ताकि आपको उसका आंसर भी याद रहे। बाकी ये वही चीज़ आ जाती है मेंबरशिप, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह है वो चीज़ इधर, आपने वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वो दोबारा से कर रहे हैं। अच्छा फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करोगे, जब तक आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड नहीं करोगे वो नेक्स्ट किसी टैब पे आपको नहीं जाने देगा। अबू रहरा आपका क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ, योर फेवरेट पेट्स नेम पैरट, पैरट ऐड किया, आप बाद में इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। पैरट का पी जो है वो स्मॉल में है, कैप्स में। ओके मैम,
देखिए अब उसने सारी चीज शुरू करवा दी, यहाँ पे आपका वो बता रहा है कि यूजर आईडी की है, नेम ये है, ईमेल ये है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, लोकेशन, वो सारी चीज कॉन्टेक्ट के बारे में जो भी है। उसके बाद ये प्रोफाइल का है, प्रोफाइल सेटिंग है, अगर कोई आप सेटिंग करना चाहते तो गेट पेड, गेट पेड में जब आपने पैसे विथड्रॉ करने होते हैं, जैसे फाइवर पे आप अर्निंग के टाइम में जाते हो और वहां पे आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाला सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे तब आपका बैलेंस होगा, तो गेट पेड पे आप आओगे, सेटिंग में जाके गेट पेड पे आओगे और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस एक्टिव होगा तो वो गेट पेड का बटन एक्टिव आपके पास आएगा और इस पे आप क्लिक करोगे तो आप पेमेंट अपनी विथड्रॉ कर सकते हो। अब पेमेंट कैसे ऐड करनी है, ये ऐड मेथड है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर तो आप पायनियर लगाना चाहते हो पायनियर लगा सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बैंक करना चाहते हो यहाँ सेटअप पे क्लिक करो और इसके साथ अपना जो लोकल बैंक है का वो आप अपना अटैच कर सकते हो। अब ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट बैंक अटैच करने के क्या फायदे हैं और पायनियर के क्या फायदे हैं। ये है कि अगर आप इसके साथ पायनियर अटैच करते हो तो आपको जब भी विदड्रॉ करना है दोनों चीजें भी आप ऐड कर सकते हो, पायनियर भी अटैच कर सकते हो और अपना लोकल बैंक भी अटैच कर सकते हो। क्योंकि ये है कि आप जब भी आपको पेमेंट विदड्रॉ करनी है अगर वो पायनियर में करते हो और पायनियर से फिर लोकल बैंक में करते हो तो उसका $2 पर विदड्रॉ, हर ट्रांजेक्शन पे $2 कटिंग होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लोकल बैंक में करते हो 0.99 वो होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि रेट में डिफरेंस आ जाता है कि वो रेट पायोनियर आपको क्या दे रहा है और फाइवर सॉरी लोकल बैंक क्या दे रहा है, 15-20 रुपए इसका कोई फर्क आ जाता है। ये हमें बस वहम ही होता है कि 10 से 4 रुपए बच रहे हैं तो वो बचाने इतना नहीं होता। तो अगर आप बेस्ट ट्राई करें कि अगर आपका डायरेक्ट बैंक में जा रहा है तो बैंक में कर लो अपवर्क से डायरेक्ट, क्या जरूरत है कि पहले पायोनियर में करो और पायोनियर से फिर आप अपवर्क पे लेके जाओ। पायनियर वैसे फाइवर के साथ अटैच मस्ट होता है, फाइवर का और कोई प्रोसेस नहीं है पेमेंट विदड्रॉ करने का, उधर हमें मस्ट पायनियर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम डायरेक्ट बैंक में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो बैंक है वो भी सेट कर लेना है और अगर आप पायनियर करना चाहते हो तो वो भी आपने कर लेना है, अटैच कर लेना है। उसके बाद ये फिर वही कनेक्ट हिस्ट्री आ जाता है, पासवर्ड सिक्योरिटी आ जाता है, नोटिफिकेशन सेटिंग आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे देखिए अभी हमने वो सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड की है तो उसने ऊपर डॉट शो कर दिया नोटिफिकेशन पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो बोलता है सिक्योरिटी क्वेश्चन हैज बीन एडेड और चेंज टू योर अकाउंट, यानी कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐड हो गया। ये सारा था अपवर्क का इंट्रोडक्शन। अब ये है कि अपवर्क पे किसी को प्रोफाइल कंप्लीट करने में या किसी भी स्टेप की कुछ समझ आई हो या कोई कुछ पूछना चाहते हो बिफोर कि बिडिंग कैसे करनी है, बिडिंग पे जाएं, प्रपोजल पे जाएं कि कवर लेटर कैसे बनाना है, क्या करना है, या हार्ली और फिक्स प्राइस वाले क्या क्या चीज़ें देखनी है, उस पे जाने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी फीचर के रिलेटेड तो प्लीज़ रेज योर हैंड या आस्क योर क्वेश्चन। मैम कनेक्ट के थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी कनेक्शन अभी आपके ठहरे मैं आपको दूसरी प्रोफाइल से दिखाती हूँ। अब ये देखें ये प्रोफाइल है, अब उधर आपके पास 50 कनेक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वो कहता है कि 6 सबमिटेड प्रपोजल 2 अवेलेबल कनेक्ट्स, अवेलेबल कनेक्ट्स पे आप क्लिक करो, उधर आपके 50 वाले पे अवेलेबल थे, यहाँ पे आपके जिस तरह आ रहे हैं अभी यहाँ इसके पास सिर्फ 2 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। जब आप उस अवेलेबल कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाता है, यहाँ पे मेंबरशिप भी है और कनेक्ट भी है। ये 2 प्लान है, एक मेंबरशिप वाला प्लान है और एक कनेक्ट वाला प्लान है। अगर तो आप बाय कनेक्ट पे करते हो तो आपके पास ये सारे पैकेजेस शो करवा रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप कितने डॉलर में कितने कनेक्ट बाय कर सकते हो, सारी जो भी हिस्ट्री है वो आपको शो करवा रहा है। अब इस ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करो तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि कितने डॉलर में हमें कितने कनेक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेंबरशिप वाले को व्यू एंड एडिट मेंबरशिप प्लान पे क्लिक करते हैं, पहले आपका बेसिक प्लान है, अब आप व्यू एंड मेंबरशिप प्लान पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 प्लान ओपन हो जाते हैं, एक बेसिक है और एक प्लस है। प्लस के क्या फायदे हैं उन्होंने सारे मेंशन किए और बेसिक में क्या चीजें इंक्लूड है उन्होंने ये चीज भी मेंशन की है। लेकिन अगर आपके पास जो कनेक्ट यहाँ पे आप फिर प्लस वाले पे क्लिक करते हो तो आपके पास आगे वो डिटेल्स मांगता है कार्ड की, और वो डिटेल्स ऐड करने के बाद आप मेंबरशिप बाय कर लेते हो। तो मेंबरशिप उस सूरत में आप बाय करें, पहले तो आप ये जो आपको 50 कनेक्ट्स मिले हैं आप इनको यूज करें अच्छे से और अच्छी अच्छी जॉब्स पे अप्लाई करें ताकि आप
आपको कोई जॉब्स मिल जाए, अगर आपको इन जॉब में से कोई जॉब नहीं मिलती, कोई हायरिंग नहीं होती, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने गिव अप नहीं करना, आपने ट्राई करनी है कि अगर तो इनमें से मिल जाती तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ट्राई करो कि आप मेंबरशिप बाय कर लो। लेकिन मेंबरशिप भी इस सूरत में कि आप अपनी प्रोफाइल को टाइम दे रहे हो, आपने अपनी प्रोफाइल को सही प्रोफेशनल बनाया है और आप बाकी काम करना चाहते हो, आप $15 यूज कर रहे हो अगर मेंबरशिप बाय कर रहे हो, बिकॉज कनेक्ट बाय करोगे तो वो सेम यही प्रोसेस है, प्लान तो आपका बेसिक रहेगा, जस्ट आपको कनेक्ट मिल जाएंगे, इन्विटेशन नहीं होंगी। और मेंबरशिप का ये फायदा होता है कि उसमें आपको इन्विटेशन भी आती हैं, उसमें आपके कनेक्ट वेस्ट भी नहीं होते, उसके काफी सारे फायदे, 80 कनेक्ट भी मिल जाते हैं, ये भी इसका फायदा है। और यहाँ सिर्फ जितने डॉलर्स आप लोग स्पेंड करोगे उतने डॉलर्स में आपको उतने कनेक्ट्स मिल जाएंगे, और फिर वही प्रोसेस के आप जाओ उस पर अप्लाई करो। फॉर्म ये है कि अगर तो आप फाइवर अपवर पे आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, काम मिल गया, तो ये तो अच्छी बात है, यहीं से अर्न करो और यहीं पर फिर लगाओ और अपनी प्रोफाइल को प्लस करो ताकि आपको इन्विटेशन वगैरह मिले। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको कोई जॉब अभी तक नहीं मिली, तो फिर आप अपना कार्ड लगा के तो इसको कनेक्ट्स को बाई कर सकते हो या आप मेंबरशिप बाई कर सकते हो। इसका ये भी है कि एक मंथ अगर आप $15 आपके पास हैं, आप लगा सकते हो, एक मंथ आप लगाते हो लेकिन दूसरे मंथ आप नहीं लगाना चाहते, तो आप इस चीज़ को डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, दूसरे मंथ के लिए आप नहीं भी लगा सकते, जब आपके पास दोबारा हो तब आप लगा सकते हो, दोबारा से अपनी मेंबरशिप वाली टैब जो है उसको क्लिक करके तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अब आपका ये काम है कि आप जितने लोगों ने अभी प्रोफाइल बना लिया उन्होंने तो बना लिया, उनकी तो अप्रूव हो गई, लेकिन जितने लोगों ने नहीं बनाई वो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे अपनी 100% करेंगे। अभी अबू रहरा आपकी 40% आ रही है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वर्क सॉरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अदर एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है, अपनी पिक आपने लगानी है। अभी जैसे हम ये क्लास एंड करेंगे आप अपनी पिक चेंज कर लेनी है, और दूसरी चीज़ कि आपने अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से अपने बना के लगानी है। आप अगर आप फाइवर वाली अच्छी आपने बनाई हुई है तो वही आपका पेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और मजीद अगर न्यू बना के लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मिस हैं आपने वो करनी है, जब तक आपकी प्रोफाइल ये 100% नहीं हो जाती आपने चीज़ें ऐड करते रहना। वो सजेशन कैसे मिलेगी, इसके नीचे आप देखें तो ये प्लस के साइन पे वो आपको चीज़ें बताता जाएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके तो आगे आगे करते जाते हो तो भी आपके ऐड हो जाती है। यहाँ भी सर्टिफिकेशन, जैसे वहाँ सर्टिफिकेशन ऐड करने का था, यहाँ भी सर्टिफिकेशन ऐड करने का होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट करते जाओगे तो यहाँ भी आप सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, तो यहाँ भी आपके पास चीज़ें मजीद आती जाएंगी और आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लोगे। आपने अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट करनी है, 100% बनानी है, सारी एडिटिंग करनी है, आपकी सही प्रोफाइल्स प्रोफेशनल होनी चाहिए, और सर दोबारा आपकी प्रोफाइल जब चेक करेंगे, आप लोग अपनी प्रोफाइल्स के लिंक शेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सर चेक करेंगे कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किए, कैटेगरीज में आपने अपनी स्किल्स डाल लेनी है, और माई प्रोफाइल पे जाके आपने अपनी स्किल्स को ऐड कर लेना है, और अच्छे से देख लेना है कि जो प्रोफाइल बनाने के दौरान हमने रॉ डाटा डाला था, जो फेक डाटा डाला था, उसमें से कोई चीज़ भी नहीं है, आपकी प्रोफाइल जो है वो वेब डेवलपमेंट या जो भी आपकी स्किल्स है। याद रहे कि स्टार्ट में आप लोग ट्राई करें कि सिर्फ एक स्किल, यानी अगर आप ग्राफिक्स के भी हो और आपको वेब का भी काम आता है, तो आप ट्राई करें कि एक चीज की प्रोफाइल बनाएं। जब आप बाद में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, अपनी प्रोफाइल को स्पेसिफिक कर लेंगे, स्पेशल प्रोफाइल भी बना लेंगे, एक स्किल पे, एक चीज पे, एक कैटेगरी पे, एक नीच पे, ग्राफिक्स पे या इस पे वेब पे, जिस चीज पे भी अपना नजर थे, जो आपने प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, जो अपने गिग्स लगानी है, वो चाहे तो आप 5 इसकी लगा लो, मोबाइल इसकी, वेब की, और 5, 6, 2, 4, 1 जितनी भी आप ग्राफिक्स के लगाना चाहते हो, या किसी भी और स्किल की कोई भी आपकी स्किल्स है तो वो भी आप लगा सकते हो। ये आप पे है कि स्किल्स आप किस चीज के लगाते हो, लेकिन जो आपने प्रोफाइल बनानी है, टाइटल वगैरह, वो एक ही चीज का प्रेफर किया जाएगा। न्यू प्रोफाइल है तो न्यू प्रोफाइल में आप एक ही चीज ऐड करो, जब आपकी बाद में आपको राइजिंग टैलेंट का बैच और वो सारी चीज मिल जाती हैं, जैसे फाइवर पे लेवल न्यू सेलर होता है, फिर लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, अपवर्क पे ऐसे ही पहले हम न्यू सेलर होते हैं, उसके बाद राइजिंग टैलेंट का बैच आता है, एंड उसके बाद जब आप 2-4 जॉब्स अच्छे से कंप्लीट करते हो तो राइजिंग टैलेंट का बैच मिलता है, और उसके बाद टॉप रेटेड का बैच होता है। अब आपका जब फर्स्ट जॉब आप जब करोगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आप करोगे, तो जब आपकी हायरिंग होती है तो उसके बाद अपवर्क वाले आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन होगी,
तो वो वेरिफिकेशन सम टाइम वीडियो कॉल के जरिए होते हैं, एक मिनट की वीडियो कॉल होती है जिसमें जो आपने पिक लगाई हुई है उन्हें वेरीफाई करनी होती है कि जिस बंदे की ये पिक है वही बंदा बात कर रहा है, उन्होंने आपका फेस डिटेक्ट करना होता है, ये चीज उन्होंने वेरीफाई करनी होती है। और सम टाइम वो जस्ट सेल्फी के जरिए भी करते हैं, डिटेल्स मांगते हैं और ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी सेल्फी कैप्चर करो, और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कैप्चर कर लेता है। आपने जस्ट अपने मोबाइल का कैमरा, इसका लैपटॉप का कैमरा देखना होता है, उसमें सही फेस आ रहा है तो वो डिटेक्ट करके तो उसको कैप्चर कर लेते हैं। और अगर आप मोबाइल के जरिए करना चाहो तो वो उधर ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप उसके साथ लिंक अटैच करके तो अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हो। फर्स्ट प्रोजेक्ट पे एक दफ़ा ही आपकी वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद आपके आगे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। और अगर कोई आप प्रपोजल करते हो और क्लाइंट आपको बैक रिप्लाई करता है, एक मैसेज भी वो करता है, तो इसके भी आपको 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। इसको कहते हैं कि इंटरव्यू उसने किया। एक मैसेज वो हेलो का भी कर देता है, तो इट्स मीन कि उसने आपको इतना फायदा तो कम अज कम दिया, हायरिंग की है नहीं की लेकिन 10 कनेक्ट्स देगी। अब हमारी एक चीज रहती है, वो है कि जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। माई फिट जॉब्स पे अप्लाई करने के भी 2-3 तरीके हैं। आप चाहे तो फिल्टर्स लगा रहे और चाहे तो आप ऐसे ही यहाँ पे आप जॉब्स देख रहे हो। आपने फर्स्ट चीज देखनी है ऊपर टाइटल आ रहा है, उसके बाद फिक्स प्राइस आ रहा है, उसके बाद एक्सपर्ट वो कर रहे हैं, उसके बाद एस्टिमेटेड बजट बता रहे हैं, और पोस्टिंग कितने 14 मिनट्स पहले ये पोस्ट हुई। जो फाइवर है उस पर हमें पता नहीं चलता कि ये जॉब कितने मिनट्स पहले आई है, कब आई है, लेकिन अपवर्क पे हमें पता चल जाता है कि ये जॉब्स कितने मिनट्स पहले आई है, इसका क्या टाइम है। उसके बाद उसने अपनी डिस्क्रिप्शन बताई है, उसके बाद वो चीज़ें बता रहा है कि इस जॉब पे अप्लाई करने वाले की एक्सपर्टीज क्या है। वर्डप्रेस होनी चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेब डिजाइन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, ये स्किल्स होनी चाहिए। प्रपोजल लेस देन 5, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है 5 तक लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इस पे 10 लोग भी अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्लाइंट को सिर्फ, बायर को सिर्फ लेस देन 5 ही शो होंगे, उसको 5 से ज्यादा लोग शो नहीं होंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड, इसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है। आपने बेस्ट ट्राई करनी है कि किसी भी ऐसी जॉब पे आप अप्लाई ना करें जिसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड हो। इसके बाद यहाँ पे रेटिंग है, सम टाइम पेमेंट मेथड वेरीफाई होता है लेकिन रेटिंग 0 होती है, अभी तक कोई रेटिंग नहीं होती, तो इट्स मीन कि वो भी हमारी तरह न्यू आया है, उसने भी अभी न्यू प्रोफाइल बनाई है लेकिन उसका पेमेंट मेथड वेरीफाई, तो इट्स मीन वो ऑथेंटिक क्लाइंट है। 0 स्पेंड, उसने अभी तक कोई स्पेंड नहीं किया, इसकी 0 है, रेटिंग भी 0 है एंड उसकी पेमेंट भी मेथड वेरीफाई नहीं है और स्पेंड भी उसने 0 किया है और क्लाइंट भी बांग्लादेश का। इस सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे पता चल जाती हैं। अब नेक्स्ट जॉब देखिए, क्रिएट मी अ पोर्टफोलियो वेबसाइट विद माय डिजाइन, तो यहाँ पे वो सारी चीज बता रहा है, सेम वही चीज के फिक्स प्राइस है, एक्सपर्ट होना चाहिए, है बजट जो है $100। उसके बाद अच्छा, वो एंट्री एक्सपीरियंस लेवल जो है, आप लोगों ने एंट्री लेवल हमने किया था ड्यूरिंग प्रोफाइल क्रिएशन, आप लोगों ने उसे इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट में से एक कर लेना है। आप अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से देख लें कि आप इंटरमीडिएट पे काम करना चाहते हैं या एक्सपर्ट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन एंट्री लेवल आपने नहीं रखना, वो आपने चेंज कर लेना है। उसके बाद इसकी ये सारी चीज, वो डिस्क्रिप्शन जो उसकी जॉब है वो शो करवा रहा है, लेस देन 5 प्रपोजल, यानी इस पे भी 5 लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, 5 लोग ही क्लाइंट को शो होंगे। इस पर्सन का ये जो बैज है ये आपको नजर आ रहा है कि पेमेंट मेथड जो है इसका वेरीफाई है। उसके बाद इसकी 5 स्टार रेटिंग है, 4.87 रेटिंग है आउट ऑफ 30 रेटिंग में से इसको 30 लोगों ने इसके साथ काम किया है और उसकी एवरेज निकाल के 4.87 बनता है। इसके बाद $300+ स्पेंड किया। कभी भी अपवर्क आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता, ना ही आपकी अर्निंग की। अगर $100 से कम होंगे तो फिर आपके पास और चीज शो हो रही है, अगर $100 से अबव होंगे तो वो कहेगा कि $100+। जब तक वो आपका 1K नहीं हो जाता तब तक वो $100+ ही आपको, $200+, $300, वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको शो नहीं करवाता। इसी तरह क्लाइंट ने भी अब वी डोंट नो कि उसने मे बी 400 से, उसने अब ये चीज शो करवा रहा है $400 से कम और $300 से ज्यादा, यानी $100 के डिफरेंस से वो दिखा रहा है। तो इसका हमें नहीं पता कि उसने $350 स्पेंड किए हैं, $380 किए हैं, वो बस इतना बता रहा है कि $300+
उसने स्पेंड किए हैं। इट्स मीन कि ये क्लाइंट जो है ऑलरेडी दूसरे सेलर्स के साथ काम कर चुका है। उसके बाद वो उसकी लोकेशन बता रहा है कि क्लाइंट कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का है। ये डिसलाइक का बटन होता है ऊपर जो हैंड थंब डाउन का है, इसने इस पर आपने क्लिक नहीं करना, आपको क्या फ़ायदा है इसके अगर आप डिसलाइक करते भी हो। उसके बाद ये सेव का बटन है, आप इस पर क्लिक करके इस जॉब को सेव कर सकते हो। ये जॉब कब पोस्ट हुई है, 20 मिनट पहले जॉब पोस्ट हुई है, $100 बजट है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने देखना है पहली चीज़ कि आप स्टार्ट में ट्राई करो कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको भी चीज़ें न्यू नहीं है, समझ नहीं आएंगी। अगर आपको हार्डली प्रोजेक्ट मिल भी जाता है फिर भी बहुत अच्छी बात है, या आप किसी ऐसे जॉब पे अप्लाई कर भी देते हो जो आप विलिंग हो, जो आप कॉन्फिडेंशियल हो कि आप कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं अभी न्यू हूँ मैं फाइवर अपवर्क पे और मुझे इतना नहीं चीज़ों का पता, तो मैं ना बस फिक्स प्राइस वाले प्रोजेक्ट करता हूँ, आप देख लें इधर फिक्स प्राइस होना चाहिए। उसके बाद देखने कि जितनी जल्दी क्लाइंट के प्रपोजल पे आपने फौरन से अप्लाई कर दिया, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि अच्छा ये बंदा एक्टिव था, ये बंदा ऑनलाइन था और इसने फौरन से अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने देखना है कि हमेशा ट्राई करें कि जिसके लेस देन 5 प्रपोजल हैं उस पर अप्लाई करें, कभी भी 20 to 50 वाले पे अप्लाई ना करें। उस पर इतने सारे लोग हो जाते हैं, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने चांसेस कम होते हैं, जितने कम लोग अप्लाई करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने बेस्ट ट्राई करनी है कि एक तो स्टार्ट में आप देख लें फिक्स प्राइस वाले, सेकंड चीज़ आप देख लें कि प्रपोजल जो है लेस देन 5 वाले, और उसके बाद आप देखिए कि पेमेंट मेथड हमेशा वेरीफाई होनी चाहिए। प्रेफर किया जाता है कि लेस देन 5 वाले क्लाइंट को सिलेक्ट करें और पेमेंट मेथड उसका वेरीफाई होना चाहिए। अगर उसने कुछ स्पेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ऑलरेडी वो दूसरे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, उसकी रेटिंग पता चल जाती है और वो यूनाइटेड स्टेट वगैरह के, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अब आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, अपने इस पर इसको न्यू टैब में आप ओपन कर लें, न्यू टैब में आप ओपन करने के बाद ऊपर ये टाइटल आ रहा है, उसके नीचे वो वेब डिज़ाइन का बता रहा है कि इसके लिए स्पेशल प्रोफाइल को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद उसकी वर्ल्ड वाइड जितने भी मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं, सम टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है कि सिर्फ फलां फलां कंट्री के जो सेलर्स हैं वही सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वही कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो क्या चाहता है, आई वांट टू इंक्लूड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वेब टैबलेट एंड मोबाइल वर्जन, यानी कि जो भी आप वेब बनाओगे वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए इन तीनों स्क्रीन पे। उसके बाद वो उसका नाइस ट्रांजिशन व्हेन स्क्रॉलिंग डाउन मोस्टली जस्ट फेड इन, ये सारी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, वो अपनी नीड बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फिक्स प्राइस है, एक्सपर्ट है, अटैचमेंट उसने कोई दी हुई है, उसके बाद वन टाइम प्रोजेक्ट है, यानी ये एक ही दफा की जॉब है, और ये सारी चीज उसने बताया हुआ है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अगर आपने किसी को लिंक शेयर करना है इस जॉब का, तो यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करके तो ये किसी दूसरे पर्सन को भी आप शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल स्पेंड उसने जितना की जितनी जॉब्स की है, अब और डिक्लाइंस की सारी चीज उसने मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए ये सबमिट प्रपोजल के नीचे सेव जॉब का अगेन बटन आ रहा है, अगर तो आप इस जॉब को सेव करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। उसके बाद इसमें वो शो करवा रहा है कि इसके लिए कितने कनेक्ट्स चाहिए, 4 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, अभी आपके पास 50 है, 4 आप यूज कर लोगे तो बाकी आपके पास 46 रहेंगे। अब अपने अप्लाई कैसे करना है, जैसे आप वहाँ सेंड ऑफर के बटन पे क्लिक करते हैं, सेम लाइक ऐसे सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करें, जॉब को न्यू टैब में ओपन किया और सबमिट प्रपोजल पे क्लिक किया। यहाँ पे वो सारी चीज़ आपको बता रहा है कितने कनेक्ट्स हैं और इतने रह जाएंगे, ये सारी चीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो फिर अगेन यही टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी है, एक्सपर्ट लेवल का बंदा उसे चाहिए, फिक्स प्राइस है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो तरह की आ जाते हैं, जैसे फाइवर पे आजकल जब आप न्यू जो उन्होंने पैनल किया उसमें जब आप कस्टम ऑफर देने लगते हो तो वो वहाँ पे शो करवा रहा होता है कि आपका वन टाइम प्रोजेक्ट है या फिर माइलस्टोन में है, बाय प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट है या फिर माइलस्टोन में। माइलस्टोन का मतलब होता है कि एक ही प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में कर लेना। अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि आप उसके 5 या 6 पेजेस बनाओ और वो चाहता है कि डिफरेंट प्लगइन्स यूज करवाने हैं, डिफरेंट थीम जो है उस पे कोई डिफरेंट टास्क करवाने, सॉरी मैम स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही, लेट मी अगेन शेयर।
जी अब मुझे बताइएगा। अब शो हो रही है मैडम। ओके आपने जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो देख लेंगे हम इसी पार्ट टाइम भी आपको जस्ट समझाने के लिए ये जॉब सेलेक्ट कर रही हूँ और इसी को न्यू टैब में ओपन करके आपने अब सबमिट के बटन पे क्लिक करना है सबमिट आप प्रपोजल। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हो तो ऊपर सारी जॉब की वही चीज़ डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट सारी बताई हैं स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके नीचे ये दो चीज़ें आ जाती हैं एक बाय माइलस्टोन एंड बाय प्रोजेक्ट। अगर तो आपका कोई वो क्लाइंट चाहता है कि एक ही उसका पेज बनाना है या सिंगल पेज वेबसाइट है तो बाय प्रोजेक्ट है एक ही टाइम की है तो आप बाय प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और वो ऑटोमेटिकली जितना भी क्लाइंट का बजट है $100 वो सेलेक्ट कर लेगा। $20 जो है ये अपवर्क फीस है जैसे फाइवर की $5 पर $1 फीस है ऐसे ही इसका भी $5 पर $1 जो है वो फीस लेता है। $100 पे ये $20 फीस ले जाता है और $80 आपके आ जाते हैं। के बाद बाय प्रोजेक्ट यानी सिंगल टाइम प्रोजेक्ट है लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो माइलस्टोन पे है उसका ज्यादा टास्क है एक कोई वेबसाइट है उसको आपने बनाना भी है उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है उसकी गैलरी भी ऐड करनी है उस पे मजीद नेक्स्ट पेजेस भी ऐड होने हैं। अभी फॉर टाइमिंग आपने 3 पेजेस बनाए हैं लेकिन क्लाइंट चाहता है कि फॉर टाइमिंग आप 3 पेजेस के साथ काम स्टार्ट करें और नेक्स्ट आपने और भी पेजेस ऐड करनी है और भी उसने अपनी चीजें ऐड करनी है जो भी उसकी वेबसाइट है या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है तो फिर आप कहेंगे कि ये क्लाइंट प्रोजेक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे हम माइलस्टोन में क्रिएट कर लेते हैं। तो माइलस्टोन पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में पहले लिखना है कि फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो क्या है उसका नेम क्या है तो आप लिख लेते हो कि 3 पेजेस वेबसाइट। पहला माइलस्टोन ड्यू डेट के आप कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे अगर आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो आपने वो डेट वो टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अमाउंट अगर तो क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट प्रोजेक्ट $500 का है और आप चाहते हो कि फर्स्ट जो 3 पेजेस हैं वो हम $300 में कर लेते हैं और बाकी नेक्स्ट जो है वो $100 के हम 3 माइलस्टोन क्रिएट कर लें। तो इस तरह आपने एक माइलस्टोन क्रिएट कर लिया और दूसरा माइलस्टोन ऐड माइलस्टोन पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट माइलस्टोन यहाँ पे आप कह दोगे कि नेक्स्ट पेज या जो भी उस पेज का नेम होगा लाइक फर्स्ट पेज होम पेज बनता है अबाउट अस एंड जस्ट कॉन्टेक्ट अस का बनता है उसके बाद आपका सर्विसेज का पेज इंक्लूड होता है और उसके बाद गैलरी का पेज इंक्लूड होता है तो आपने यहाँ पे सर्विसेज वाले पेज का नेम लिख लेना है। उसके बाद ड्यू डेट के आप फर्स्ट माइलस्टोन के कितने दिन बाद ये पेज कर सकते हो आपने वो देनी है। उसके बाद आप कह लेते हो कि मैं इसको $100 में कर लेता हूँ यानी एक प्रोजेक्ट को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके काम कर लेना है। तो इस तरह आप माइलस्टोन ऐड करते जाओगे और आगे जो भी आपका माइलस्टोन है वो ऐड करते जाओ और नीचे देखिए वो सारी डिटेल्स बता रहा है कि टोटल प्राइस का प्रोजेक्ट जो है वो $400 का है उसमें से कितनी अपवर्क की फीस है और कितने आपकी है। अगर आपको फिक्स प्राइस रखना चाहते हो तो भी आपने इस तरह बाय प्रोजेक्ट कर लेना है एक ही टाइम एक ही दफा सिंगल टाइम प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर आप माइलस्टोन में कन्वर्ट करना चाहते हो एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट टुकड़ों में डिफरेंट पार्ट्स में करना चाहते हो तो आपने बाय माइलस्टोन कर लेना है। यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक्स अब फाइवर पे तो उधर उन्होंने डेडलाइन बताई होती है लेकिन यहाँ पे आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है कि एक ये जो वेबसाइट है ये इस पे कितना टाइम लगेगा लेस देन 1 मिनट मंथ यानी कि एक प्रोजेक्ट ये जो है ये मैं 1 मंथ के अंदर कर लूंगा या 1 से 3 मंथ के अंदर करूंगा या 3 से 6 मंथ का। सम टाइम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं एक ही क्लाइंट की डिफरेंट वेबसाइट्स बनानी होती हैं उनके डिफरेंट टास्क होते हैं तो वो चाहता है कि आप उसके साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसके अंदर आप सारा काम करते जाएं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ही होगा लेकिन जितने भी उसके टास्क हैं वो बाय माइलस्टोन आपके साथ चलते जाएंगे। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि अच्छा कि अगर 5 वेबसाइट्स बनानी है तो कोई एजेंसी है या कोई कंपनी है उसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं डिफरेंट सर्विसेज हैं तो वो चाहते हैं 4-5 वेबसाइट बनाए तो आपने 3 to 6 मंथ कर लेना है कि इतने मंथ के अंदर मैं काम करूंगा। ये ड्यूरेशन है। यहाँ पे कवर लेटर यहाँ पे वो प्रपोजल आएगा वो चीज आएगी जो फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट होती है कि आप कैसे बाय रिक्वेस्ट करते हैं बाय रिक्वेस्ट लिखनी आई होप कि आप सबको आती है तो वो चीज यहाँ पे आपने लिखनी होती है कि हाय। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रहे कि जब आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट देखना है लाइक ये देखें ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है
सॉरी, इसकी तो कोई वर्क हिस्ट्री नहीं, हम किसी क्लाइंट की वर्क हिस्ट्री वाले को देखते हैं जी। फाइवर पे तो अगर आपने वो एक्सटेंशन ऐड ना की हो तो आपको क्लाइंट का नेम पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें जब कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए ये जो है क्लाइंट रीसेंट हिस्ट्री जॉब इन प्रोग्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हे मैन, ये यहाँ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी इसमें से फीडबैक में से आपको क्लाइंट का नेम मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से क्लाइंट का नेम कॉपी कर लेना है और वो जब आपने यहाँ पे लिखना है प्रपोजल लिखना है, ये देखें ये इसने इस में बॉब जेम्स इसका नेम है, यहाँ से जाके हमें नेम मिला है। सारे में से देखते जाओ जहाँ से ये जो ऊपर वाले फाइव स्टार है यहाँ से, नीचे वाले फाइव स्टार जो है वो फ्रीलांसर्स को मिले हुए हैं, ऊपर वाले जो फाइव स्टार हैं वो बायर को मिले हुए हैं, और उधर से आपने नेम कॉपी कर लेना है, देख लेना है। जब आपने यहाँ पे प्रपोजल लिखना स्टार्ट करना है कि इस तरह जब आप उसका नेम लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, क्लाइंट कहता है कि अच्छा इस बंदे ने मेरे बारे में इतनी रिसर्च किया है कि कमेंट्स में से जाके समटाइम वो डिस्क्रिप्शन के एंड पे भी लिख देते हैं अपना नाम, लेकिन अगर नहीं भी होता तो यहाँ से आपने फिर अपना उसका नेम फाइंड कर लेना, अगर मिल जाता है तो वहां आपने लिख लेना, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। अब आपने ये चीज प्रपोजल लिखना होता है, यहाँ पे प्रपोजल लिखना आई थिंक आपको सबको आता है, तो सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पे नेम हमें नहीं पता होता तो हम नेम मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से हम नेम देख सकते हैं और यहाँ हम नेम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटैचमेंट। फाइवर पे अटैचमेंट का बटन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट का बटन है, तो इस अटैचमेंट पे हमने क्या अटैच करना है। यहाँ पे आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आप पोर्टफोलियो में अपने वो इमेजेस ऐड कर सकते हो, सेम लाइक आप यहाँ पे अपने दो चार तीन या दो जो भी है आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, यानी वो अपने स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, मोबाइल आईपैड एंड लैपटॉप की स्क्रीन है और उस पे आपने वो लगाए हुए हैं, इमेजेस लगाए हुए हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपना प्रीवियस वर्क शो करवाने के लिए। तो पीएनजी या जेपीजी इमेजेस हैं वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे कवर लेटर में आपने जैसे फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट करनी थी सेम लाइक ऐसे ही, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ आप अपना सॉरी क्लाइंट का नेम मेंशन कर सकते हैं, ये चीज होती है। एक और चीज, सम टाइम क्लाइंट ने फाइवर पे ऐसे किया होता है कि अपवर्क पे भी फाइवर पे भी ऐसा होता है, लेकिन अपवर्क पे भी मोस्टली ऐसा होता है कि जब वो अपनी ये डिस्क्रिप्शन देता है समटाइम डिस्क्रिप्शन जो है वो लंबी होती है, इसने तो अभी जस्ट दो लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन समटाइम डिस्क्रिप्शन जो लंबी होती है और जो सैलर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो पूरी रीड नहीं करते, उन्होंने कॉपी पेस्ट का सिस्टम किया होता है, वो प्रपोजल लिख के रखा होता है वहां से उठाते हैं और यहाँ डाल देते हैं और अटैचमेंट करते हैं ये दो तीन स्क्रीन शॉट से जहाँ वो जो जेपीजी पीएनजी इमेजेस हैं पोर्टफोलियो के वो चीज लगाते हैं और प्रपोजल कर देते हैं। अपवर्क जो है वो ट्रैक करता रहता है इस चीज को कि अच्छा इसने तो कॉपी पेस्ट किया इतने एक मिनट के अंदर अंदर, अब एक मिनट अभी गुजरा है क्लाइंट को जॉब पोस्ट किया और उससे नेक्स्ट मिनट में आप प्रपोजल सेंड कर देते हो, आपने बनाया हुआ है आप वहां से उठाते हो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो दो अटैचमेंट लगाते हो और नीचे जो ये जो सबमिट अ प्रपोजल का बटन है यहाँ पे क्लिक करते हो नेक्स्ट कंडीशन को एक्सेप्ट करके तो प्रपोजल कर देते हो। तो क्या शो करवाता है कि आपने ये जो 10-12 लाइंस प्रपोजल की लिखी हैं ये एक मिनट के अंदर लिख के अटैचमेंट लगा के प्रपोजल सेंड भी कर दिया, इससे क्लाइंट को भी पता चल जाता है और अपवर्क को भी पता चल जाता है कि इस बंदे ने कॉपी पेस्ट किया। तो आपने हमेशा ट्रायल करनी है कि आपने खुद से यहाँ लिखना है प्रपोजल कैसे लिखते हैं, स्टार्ट में ग्रेटिंग्स वगैरह देते हैं, उसके बाद जो क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको रीड करते हैं और उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं ताकि क्लाइंट को पता चले कि अच्छा मेरी ये जरूरत है, ये इसने मेरी रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया और ये चीज़ ये सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद उसके क्या क्या आप दे सकते हो वो चीज़ लिखते हैं, अपना पोर्टफोलियो है तो वो अटैच करते हैं और क्लोजिंग कर देते हैं बेस्ट रिकॉर्ड के साथ या थैंक्स के साथ, जैसे भी आपने अपने हिसाब से प्रपोजल लिखना होता है। लेकिन ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आप उसका नेम मेंशन करो तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। अच्छा ये मैं आपको चीज बता रही थी कि समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट ने डिस्क्रिप्शन जो है वो जरा लेंथी होती है लंबी लिखी होती है, तो जो फ्रीलांसर्स हैं जो हम लोग हैं हम रीड नहीं करते, हम देखते हैं कि अच्छा उसे ना एक वेबसाइट की जरूरत है, चलो जी स्टार्ट करो आई विल डू ये वो आपकी जॉब जो है वो अच्छे से करूंगा, मैं आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना दूंगा, मैं उसमें ये भी यूज कर लूंगा, चाहे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट में ना लिखा हो कि मुझे एलिमेंटर चाहिए या मुझे जो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है वो चाहिए या कुछ भी ऐसा चाहिए, तो बस आपने मेंशन कर दिया कि मैं ये भी दूंगा मैं ये भी दूंगा मैं फला इतने पेजेस की बना दूंगी, हालांकि क्लाइंट को 2 पेजेस की चाहिए, आपने कहा कि मैं आपको 5 पेजेस की एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना दूंगा, तो वो जब देखेगा तो वो उसे साफ पता चल जाएगा इस बंदे ने तो मेरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी नहीं है,
और जो सियाने क्लाइंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो एक चीज करते हैं, जब जो उनकी जॉब्स होती है उसके एंड पे वो एक चीज मेंशन कर देते हैं. सम टाइम वो कोई वर्ड मेंशन कर देते हैं, सम टाइम वो कोई कलर मेंशन कर देते हैं, सम टाइम वो कोई किसी फ्रूट का नेम, किसी भी चीज का नेम, कुछ भी ऐसा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कुछ ऐसा लिख देते हैं जो वो साथ मेंशन भी करते हैं कि अगर आपने ये सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है तो ये जो चीज है, ये जो नेम है, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये आपने अपने प्रपोजल के स्टार्ट में लिखना है. तो आपने हमेशा जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की डिस्क्रिप्शन है, प्रपोजल की, वो सारी चीज अच्छे से पढ़नी है. और अगर क्लाइंट ने कुछ ऐसा मेंशन किया है तो आपने वो चीज कॉपी पेस्ट अपने प्रपोजल में जरूर करनी है. उसका सेम वही वर्ड उठा के, वही की वर्ड उठा के, जो भी उसने लिखा है वही सेंटेंस उठा के आप वहां पे अपने प्रपोजल में से पहले आप मस्ट ऐड करोगे. इससे पता चलता है कि जब आप ऐड करोगे, क्लाइंट जैसे ही आपका प्रपोजल ओपन करता है, ऊपर अगर आपका वो टाइटल, वो चीज, वो जो उसका वर्ड है, जो भी उसने कलर वगैरह मेंशन किया, वो उसको शो होता है, तो वो उसको पता चल जाता है कि अच्छा, इस पर्सन ने मेरी जो डिस्क्रिप्शन है, मेरी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, वो अच्छे से पढ़ी है. तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और उसको भी पता चलता है कि अच्छा, ये फीलिंग है काम करने के लिए. ये चीज आपने मस्ट देखनी. ये सारी चीज थी फाइवर की. अगर किसी को समझ नहीं आई प्रपोजल की, सबमिट प्रपोजल की, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, रेज योर हैंड. यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग एंड करती हूँ और स्क्रीन जो है वो भी स्टॉप करती हूँ. जी